श्री गणेशाय नमः। जेंटलमैन, मैं प्रेम कुमार एंड पार्टी की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का दिन बड़ा ही खुशी का दिन, क्योंकि अनीता और राज ये दो प्रेमी शादी के बंधन में एक हो गए। दोस्तों, शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो जब पछताना ही है तो खाकर पछताने में क्या हर्ज है। राइट मिस्टर पाटली वाला, तमने तमारो शादी ना लाल हो क्या वो लागे पाटी को लागो एम क्या बोलो छ तमे। मिस्टर पाटली वाला, रिलैक्स, टेंशन ना लो पापा, टेंशन ना लो। ओ बाऊजी, तानो ताला शादी ना लड्डू कैसा लगा जी? ओ बहुत मीठा लग गया जी। और दोस्तों, यानी शादी कहीं तीखी है तो कहीं मीठी तो कहीं खट्टी, मगर शादी है बहुत जरूरी। इसीलिए दोस्तों, जहाँ शादी होती है वहाँ गाना होता है, और जहाँ गाना होता है वहाँ प्रेम होता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू वन एंड ओनली प्रेम कुमार। इज एवरीबॉडी इन द हाउस टुनाइट? आई सेड इज एवरीबॉडी इन द हाउस टुनाइट? Hi, I'm Prem. Am I right? My band. On my left, the chorus. Is my backup ready? Oh yeah. So let's kick it. लाखों की तेरी बिंदिया बनो, लाखों की
दोस्तों, किसी ने बहुत सही कहा है कि स्वर्ग में ऊपर वाला प्रेमियों की जोड़ी बनाता है और यहां धरती पर उन्हें मिलाता है, जैसे कि अनीता और आप। दोस्तों, मेरी जिंदगी में भी कैसी खुशी आने वाली है, मुझे भी किसी लड़की से प्यार हो गया और मैं भी इस पवित्र बंधन में बहुत जल्द बनने वाला हूं। आई होप कि आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं। प्लीज विश मी ऑल द बेस्ट बिकॉज आई रियली नीड इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाय फोक्स, इस वक्त हम तराना बंगलो में हैं। बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही है और घर के अंदर गर्मा गर्म भजिए तले जा रहे हैं। मम्मी मम्मी मम्मी, से हाय टू कैमरा। हाय। देखो, मैं बहुत बिजी हूँ। आज पहली बार तुम्हारी होने वाली मामी आने वाली है, जिसे आज तक कोई नहीं मिला प्रेम के सिवा। इसलिए तुम्हें जो कुछ पूछना है अपने मामा से जाके पूछो। बाय। ओके मामा, जल्दी बाहर आइए। दिशा मामी कभी भी आ सकती है। अरे माइकल तो क्या कर रहा है, जल्दी चल ना।
है भांजा भांजी? मामा, निशा मामी के बारे में कुछ तो बताइए। श्योर, तुम्हारी निशा कैमरा तुम्हारी निशा मामी इज माइंड ब्लोइंग। उनका फेस, उनका फिगर, उनकी आवाज। अच्छी अरे नीलू जल्दी आ जाओ, मेहमान आ गए। एक मिनट बॉस आ रही है। अच्छी ओ माय गॉड विनू शी सो ब्यूटीफुल। नहीं वो मैं अरे डोंट वरी मैं तुम्हारे लिए गरम गरम भजिया लाती हूँ। अच्छा इसे बिठा ना। पहले आप बैठिए ना, प्लीज घर से बैठिए यहाँ बैठिए, फिर जितना चाहे। अच्छू अरे एक बात बताऊँ, तुम फिक्र मत करो, जब मुझे जुकाम होता है तो मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह अच्छू करता हूँ। हम दोनों की बात बन गई। बच्चे आगे बच्चे। निशा मामी। अरे प्रेम को बुलाओ ना, प्रेम को बुलाओ। कहाँ जा रही है? बैठिए ना भजिए। हाँ हाँ लाई, अभी लाई। सुनो आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए टॉवल लाता हूँ। लगता है ये लोग मुझे कोई और लड़की समझ रहे हैं। अगर मैं इनको अपना सही नाम बता दूं, तो गर्मा गर्म भजिए खाने को नहीं मिलेंगे। पहले भजिए खाते हो फिर नाम बताते हो। लो ना। अरे और लो। क्या तुम्हारी निशा मामी आ गई? हाँ मामा आ गई है, बैठ गई है, आपको इंतजार कर रही है। सो प्लीज टेल निशा मामी आई विल बी देयर इन 2 मिनट्स। आओ मामी मामी मामा आ रहे हैं। आराम से खाओ, आराम से खाओ। ये लो तुम्हारे लिए मैं टॉवल लाया हूँ। भजिए भजिए जो है फैट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। प्रेम तुम्हें बहुत चाहता है। मैं भी भजिए को बहुत चाहती हूँ। नीलू प्रेम को प्यार से भजिया कहती है। How sweet! भजिया। प्रेम हमेशा तुम्हारी बातें करता रहता है। अरे निशा नहीं है तो फिर कौन है? अच्छा ये बताओ पहली बार प्रेम को कहाँ मिली? बाद में। ये वो बच्चा चोर है जो पिछले महीने बाजू के मॉल में बच्चा चोरा रही थी, और अखबारों ने लिखा था कि खूबसूरत भी है। अरे रे 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 रे, देखो कैसे बच्चे खा रही है। बच्चियों के बाद कहीं मेरे भांजा मांझी का नंबर तो नहीं है? बच्चा चोर तो गई जेल। अरे और लो ना, तुम कुछ खा ही नहीं रहे हो। पता है प्रेम तुम्हारे बारे में कितनी बातें करता है। ऑल द टाइम ऑल द टाइम। अरे और खाओ, मुझे फैट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चोर 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 चोर। अरे दिल का चोर नहीं है, बच्चा चोर है। ये मेरी निशा नहीं है। क्या क्या? लेकिन ये तो भजिया खा रही है। अरे अच्छा हो गया तुम्हारे बच्चे नहीं खा गई है। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। अरे कोई रस्सी लाओ, अरे कोई रस्सी लाओ। प्रेम ये क्या बोल रही है? ये बोल रही है बच्चे के साथ बड़ों का गोश्त भी खाती है। बाजी पलटी। भैया रख, भैया रख, अरफी रख, अरफी रख। हाँ बांध दो इसको, बांध दो इसको। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या कर रहे हो? आज हमने एक बच्चा चोर पकड़ा है। ये बच्चा चोर नहीं, मेरी कजिन प्रिया, इसको छोड़ो। क्या ये तो मेरी भी सिस्टर है। हाय, आई एम प्रेम। आई एम विनोद। नीलू। आई एम विनी। आई एम माइकल। I'm very sorry. मैं बच्चा चोर नहीं हूँ। 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 मैं बच्चा चोर नहीं हूँ। ये लोग मुझे बच्चा चोर समझ रहे हैं। मोना तुम्हारे घर लौट था तो मैं यहाँ पूछने आ गई। भजिया गरम थे तो मैंने खा ली है। अभी भी घर में भजिए। मैं बच्चा चोर नहीं हूँ, मैं भजिया चोर हूँ। Priya, this is a mad family, but a very sweet family. Thank you, everybody. Bye. 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 अरे brother-in-law, हाँ, ये तो निशा की भजिया लेके चली गई। भजिये, भजिये पे लिखा है खाने वाले का नाम। Ed? ये? Hello? निशा? Hi. अरे लेकिन तुम्हारी आवाज इतनी धीमी क्यों आ रही है? क्या? तुम हिमाचल में हो? अरे हम सब तुम्हारे यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। हाँ। अच्छा क्या 2 महीने और?
दिस नॉट फेयर निशा, तुम दो महीने के लिए गई थी, तुमने दो महीने एक्सटेंड किए, अब तुम बोलते कि तुम दो महीने और एक्सटेंड करोगी। अच्छा कम से कम दीदी से बात करो। हाय निशा, हाउ आर यू? हाय निशा मम्मी, हाय निशा मम्मी। हेलो। हाँ निशा, देखो हिमाचल प्रदेश बहुत ही ठंडा प्रदेश है, वहां बर्फ गिर रही होगी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, आइस वाटर और बर्फ, ये सब ठंडी चीजें होती हैं। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लो प्रेम से बात करो। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, नहीं सबको मालूम ऐसी है। आई लव यू टू एंड आई मिस यू टू, और जल्दी आ जाओ। ओके, बाय बाय। तुम्हारी मामी दो महीने में आ रही है। बाबा कॉफी। हे थैंक्स। या वेलकम मोना। हाँ, तेरा एक्टिंग करियर कैसे चल रहा है? मेरी स्ट्रगल तो चलती रहती है यार, मेरी बात छोड़, तू अपनी बात कर। हाँ मम्मी मेरी शादी करा रही है। किससे? हाउ इज द गाय? गुड लुकिंग, टॉल, हैंडसम, आर यू डेटिंग हिम? अरे मम्मी अभी तक लड़का ढूंढ रही है। क्या बोल रही है? अरेंज मैरिज या नो लव मैरिज? मोना तू मुझे बचपन से जानती है ना। हाँ? मैं मम्मी की हर बात मानती हूँ। मम्मी जहाँ मेरी शादी कराएगी मैं वहाँ कर लूंगी। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मम्मी मेरी शादी का खर्चा उठाए, मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। तू मेरी मदद करेगी ना? क्यों नहीं। हाँ क्यों नहीं। इसलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ। Cheers to that, बाबू। ओके। क्या हुआ? घिसो, दांत घिसो, जोर जोर से घिसो। दांत मजबूत तो आंत मजबूत, आंत मजबूत तो सांस मजबूत, सांस मजबूत तो जीवन मजबूत, इसलिए घिसो। पिताश्री, दांत घिसते घिसते उंगली घिस गई तो? हाँ बेटा, उंगली के बिना चलेगा, दांत नहीं होगे तो खाना कहाँ से खाओगे, मर जाओगे। पिताश्री पर उंगली के बिना खाना कैसे उठाएंगे? अब चम्मच के साथ। बिना उंगली के चम्मच कैसे पकड़ोगे? इसका उत्तर शास्त्रों में नहीं लिखा है। उत्तर नहीं है, आप लोग शास्त्र नहीं पढ़े। अपने पिता का मजाक उड़ाते हो तुम लोग, मेरे बच्चों की पड़ोसी के। पड़ोसी के? क्या हुआ? भाग्यवान, ये कैसे चार चार नटखट बच्चों को जन्म दिया, और ये लो पांचवा ऑन द वे, ये कैसे किया तुमने? इसमें मेरे अकेले की क्या गलती है जी? जबान लड़ाती है पांडे जी। क्या हुआ? ये बालिका हमारी नगर पालिका में क्या कर रही है? ये मेरी कजिन प्रिया है। सुंदर, अति सुंदर। बालिके अपनी कुंडली हमें भिजवा देना, हम तुम्हारे लिए अति सुंदर वर ढूंढेंगे, ऐसा वर जिसकी शक्ल शाहरुख खान, जिसकी बॉडी सलमान खान, जिसकी चाल आमिर खान। अरे पंडित जी, आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी जो मम्मी है ना वो ढूंढ लेंगी। थैंक यू। कोई बात नहीं, बालिके अपने विवाह में हमें पंडित रख लेना, ऐसे मंत्र पढ़ूंगा, 7 जन्म क्या 70 जन्म तक वही वर मिलेगा। अरे पंडित जी, आजकल तो एक ही पति से कुछ सालों में बोर हो जाते, एक पति 70 जन्म, नो वे नो चांस। ए मोना। हाँ? तेरा फोन खराब है क्या? हा? प्रेम बिल्ली भरा होगा। अरे पंडित जी शट अप। ओके, क्या हुआ प्रेम? तेरे बच्चे चोर के लिए फोन है, पूना से, उसकी मम्मी का। ओ, अरे मम्मी का फोन है। गो गो गो। माँ का फोन, माँ का फोन, माँ का फोन। हेलो। हेलो माँ, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। और वहाँ पहुँचते ही तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तेरी शादी के बारे में। ओफो माँ, हर वक्त शादी शादी शादी, मैं बच्ची हूँ क्या, हो जाएगी शादी, आप टेंशन क्यों ले रहे इतना? अच्छा पहले ये बताइए रॉकी कैसा? जब से तू गई है तुझे बहुत याद करता है। अच्छा मम्मी पहले रॉकी को फोन दीजिए, मैं उससे बात करूंगी। Hi Rocky, my baby, my sweetheart. How are you? अरे रॉकी ऐसे नहीं करते फोन पे। My darling, my darling. देखो प्रिया अपना ख्याल रखना। जी माँ आप भी अपना ख्याल रखना। बाय माँ। बाय बाय रॉकी। थैंक यू। Oh, you're welcome anytime.
मम्मी कैसी है? मम्मी बिल्कुल ठीक है। और रॉकी? रॉकी भी ठीक है। That's good. तुम रॉकी से बहुत प्यार करती हो ना? He's very sweet. अच्छा मुझे ये बताओ कि रॉकी करता क्या है? कुछ नहीं, खाता है, पीता है और मजे करता है। Oh, very lucky Rocky. I wish I was Rocky. Yeah, he's very lucky. और तुम्हें पता है हम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं कि हम दोनों एक साथ सोते हैं। एक साथ सोते? हाँ। और तुम्हारी मम्मी को कोई एतराज नहीं? नहीं, मम्मी को एतराज क्यों होगा? मॉडर्न फैमिली। जी, हम पूना के रहने वाले लेकिन फैमिली काफी मॉडर्न है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब तुम यहाँ पे आ गई हो तो रॉकी अपने आप को अकेला महसूस करता होगा ना? नहीं, क्योंकि अभी रॉकी मम्मी के साथ सोता है। और तुम्हें कोई एतराज नहीं? मुझे क्यों होगा। बहुत ही मॉडर्न फैमिली है। इसमें मॉडर्न फैमिली की क्या बात है, कभी कभी तो हम तीनों एक साथ सोते हैं। लेकिन रॉकी, तुम दोनों में से ज्यादा किसको प्यार करता है? अब वो कैसे बोल सकता है, वो कुत्ता है ना। कुत्ता है? हाँ, रॉकी मेरा कुत्ता है। लेकिन तुम क्या सोच रहे थे? नहीं, मैं सोच रहा था कि नहीं, क्योंकि तुम बोल रही थी ना आई लव यू, तो मैं सोचा तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ होगा। क्या? अरे अरे, बट आई मीन निकल जाओ यहाँ से। अरे लेकिन ये घर मेरा है। I'm sorry, क्या हुआ प्रिया, तेरी पूछ रहे क्या क्या कह रहा है मुझसे? क्या बोल रहे हो प्रेम? इसी से पूछ लो। क्या हुआ प्रिया? दीदी वो मैं मम्मी से फोन पे बात कर रही थी और बताओ ना। अरे प्रिया, ये बच्चा चोर, अगर रॉकी का फोन आया तो क्या बोलूं? I'll kill you. कौन रॉकी? मैं इसके कुत्ते को इसका बॉयफ्रेंड समझ रहा था। Very funny. Get out. It's my dog. My dog. Get out. Very good plants. पानी प्लांट्स की फिगर के लिए अच्छा होता है। शाम मस्तानी मधुर। ओ यार क्या लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है आज। ये प्रेम यार, मेरे को तो प्रेम अगला लगता है। बिड़ू अगर मेरी लाइफ में आ गया तो मैं शादी वादी करके सर लो जाऊंगा, बिड़ू दर बड़ू छोड़ दूंगा। बिड़ू क्या बात कर रहे हो? बिड़ू सही बोल रहे यार। चलना कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। हाँ, जेब में है क्या? क्या? पैसे। हाँ है, लेकिन बच्चों की फीस के लिए। अरे छोड़ना यार। अच्छा ठीक है, छोड़ दिया। मेरी मोना, मेरा चीजा। चले चलो चलो जल्दी चलो। मुहूर्त करने जा रहा हूँ। किसका मुहूर्त? इसने नया बिजनेस शुरू किया ना। बिजनेस? कौन सा बिजनेस? इतना भी नहीं समझती क्या? जो इसे चाहिए था तेरे पास था, अब मेरे पास है। और जो मुझे चाहिए था इसके पास था, अब मेरे पास है। फीस? मेरे बच्चों की फीस? बच्चों की फीस? ओ ये क्या कर रही है, शर्म आ रही है। हाय, टेंशन मत ले, शादी के पास सुधर जाएगी। और अगर नहीं सुधरी तो फिर ऐसे दोस्त ना घर पे आने जाने के लिए। ये क्या करिए तुम? मैंने क्या क्या सोचा था तुम्हारे साथ, शादी करूंगा, घर बसाऊंगा, बच्चों को पैदा करूंगा। एक रात की बात है तो बात कर, पूरे लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेने का, समझे? हजार रुपए तो निकाल। अरे वो एक्टिंग कर रही थी। सुमिता पाटिल इन मंडी। बैठे थे ना पंडित जी। हां, एक्टिंग जी।
मुझे तवाइफ नंबर वन के रोल का ऑडिशन करना है, इसीलिए मैं रिहर्सल कर रही थी। मोना, यू आर टेरिफिक, यू आर टू गुड, आज तो कमाल कर दिया तूने, जस्ट कीप इट अप बेबी। ये रोल मुझे मिलना ही मिलना है। यो, हम आपकी पिक्चर परिवार समेत देखेंगे। एडल्ट हो गई ना? या मैं दो बार देखूंगा, मैं चार बार देखूंगा। जब ये एक्टिंग बैक्टिंग का सपना छोड़ो और मुझसे शादी कर लो, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रोल यही होगा, मेरी पत्नी का। पहले मैं बनूंगी स्टार, फिर करूंगी प्यार। ये सब नाटक था। तुम्हें कैसे मालूम नाटक था? क्योंकि मोना ने मुझे फोन करके कहा था ना। क्या कहा था? कि मैं कस्टमर की एक्टिंग करूंगा और वो कॉल गर्ल की। रियली नीलू, आई प्रॉमिस यू, हमारी शादी के बाद ना मैंने ये सब खर्चे बहुत कम कर दिए हैं। क्या? मतलब बंद कर दिया। जाने जाना ओ मेरी जाने, ना ना ना, जाने जाना। क्या लगता है? धुन तो बहुत अच्छी है लेकिन बोल में दम नहीं है। अरे यार, बोल बनाए कब है? ट्यून कैसी है? ट्यून हिट। तो अब कुछ मत बोलो, बोल सुनो। I'm sorry, बोला ना? Wow! है ना? पड़ोसन का मुखड़ा देख के क्या गाने का मुखड़ा बनाया ताजी? ओए तुसी ग्रेट हो पाजी, क्या ट्यून बनाई है ताजी? है ना? अब अंतर बनाते चलो। ओके ओके। प्रिया, बुरा मत मानना, प्रेम जब भी कंपोज करता है ना ऐसा ही हो जाता है। अरे कितनी बार मुझे पकड़ के नाचा है, मैंने कितनी बार कहा उससे मैं तुम्हारी दीदी हूँ, बीवी नहीं। सुनता ही नहीं। गाने की कंपोजिंग में थोड़ा बहुत पागल है। थोड़ा नहीं दीदी, पूरा पागल है। अच्छा तो आप गाती हैं? यू आर अ सिंगर? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बाथरूम सिंगर हूँ। तो फिर हमें कोई बुलाओ ना बाथरूम में। छी, अरे गाना सुनने के लिए। छी, तेज बच्चा चो बहुत अच्छा गाती। दीदी
देखिए ना, हर वक्त मुझे बच्चा चोर कहता है। प्रेम दीज, तारीफ ही तो कर रहा हूँ, बहुत प्रेम। प्रेम तुम प्लीज मेरी कजन को तंग करना छोड़ दो, ये यहाँ जॉब करने आई है। अच्छा, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो उसको जॉब दिला दो ना। ये करती क्या है? ये वीडियो शूटिंग बहुत अच्छा करती है। हाँ, अच्छा? हाँ, मैंने डिप्लोमा भी किया है। ओह वेरी गुड। अब जैसे कि आप सबको मालूम है कि मैं गरीबों को दिलर मेहंदी हूँ, जिस गरीब की शादी में हम लोग गाना गाएंगे उसमें इस गरीब को चांस देंगे। थैंक यू प्रेम, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। आपका नेक्स्ट प्रोग्राम, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम कल शाम को 7 बजे है, बी देयर। ओके ओके, एंड बाय द वे इज गुड सिंगिंग, गुड कंपोजिंग। Thank you. Bye-bye. 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 Om Namah Shivaya. 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 Pita Shri. Pita Shri. Pita Shri. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Kya bolu? Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Ye bolu ki Pita Shri ka sarvas ho gaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Kya bolu? अरे बेटा तू बोल दे, तुम्हारे पिताश्री घर पर नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपने सिखाया था झूठ बोलना तो पाप होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे तुम्हारे पिताश्री के लिए सब माफ है। पिताश्री 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 Om Namah Shivaya. 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 Hi Priya. Hi Prem. How are you? I'm okay. How are you? Okay. तुम अकेली पड़ गई थी ना? इसलिए मैं तुम्हारे साथ किसी को सोने के लिए लाया हूँ। क्या? एक मिनट। भाई साहब। प्रेम। हाँ? मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए। थैंक यू प्रेम। क्योंकि तुम कल मेरे लिए गाई ना, इसलिए। अच्छा प्रेम, ये बताओ कि कल तुम्हें मेरा गाना कैसे लगा? अच्छा गाई, बहुत अच्छा गाई तुम, लेकिन एक चीज मिसिंग है। क्या? फीलिंग्स। तुम किसी से प्यार करती हो? इसीलिए। अब मुझे देखो, मैं निशा से प्यार करता हूँ। अब मेरे साथ कोई भी गा रहा हो, मुझे सिर्फ निशा दिखाई देती है और फीलिंग्स ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसलिए तुम भी गिरो। कहाँ? प्यार में। अच्छा प्रेम, मेरी छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने निशा को पहली बार कैसे बताया कि तुम उसे प्यार करते हो? प्रेम क्या कर रहे हो तुम, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे लेकिन, अरे मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी निशा। लेकिन इतने बड़े स्टेडियम में। बात बहुत बड़ी है, आओ बताता हूँ। प्रेम बड़ी देर लगा रहे हो बड़ी बात बोलने के लिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सब ही कहते हैं। सब? मेरा मतलब सब लड़के लड़कियों से यही कहते हैं। लेकिन मैं सब लड़कों से अलग हूँ। ये भी सब कहते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कि तुम्हें इस बात का यकीन नहीं है? अच्छा एक काम करते हैं, कुछ ऐसा करो जिससे मुझे पता चल जाए कि तुम मुझसे सच्ची प्यार करते हो। ऐसा कुछ के कि मैं तुम्हें किस करूं और बारिश गिर जाए? नहीं रियली, मैं तुम्हें किस करूंगा और बारिश गिरेगी? वाह, नहीं मुझे यकीन है। अच्छा हाँ ठीक है। यकीन नहीं हो रहा। अब तो यकीन आ गया। कितना खूबसूरत है ना प्रेम। ये बारिश नहीं है, ये प्रेम का प्रेम बरस रहा है। ये क्या हो गया प्रेम? पता नहीं क्या हुआ, ऊपर वाले से पूछता हूँ। क्या हुआ? ओप्पा जी, ओ टंकी खाली। Mm-hmm.
नाटक किए तुमने। प्यार में नाटक करना पड़ता है। मुझे देखना है जब तुम्हें प्यार होगा ना, तुम कितना नाटक करती हो। प्यार और मुझे? ना बाबा ना, मैं तो सीधे शादी करूंगी। सीधे शादी करोगी? लेकिन अगर शादी से पहले मुझ जैसा लड़का मिल गया तो?
तो क्या करोगी? स्टॉप इट। प्रेम, तुम एक बात कहूँ? हाँ कहो। वो निशा है ना, बहुत लकी है जिसे तुम्हारे जैसा लड़का मिला है। अरे ये बात मुझे मालूम है, ये बात तुम निशा से कहो, जबरन मेरी शादी डिले कर रही है, 4 महीने बाद आ रही है, कहोगी ना? जरूर कहूंगी। अच्छा क्या कहोगी? मैं कहूंगी कि प्रेम दिखता अच्छा है, गाता अच्छा है और दिल का बहुत ही अच्छा है। अगर तुमने ये बात कह दी उससे, देन आई लव यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ और मेरी शादी पक्की। तीज, ब्रदर लॉ, आओ। विनीत विजय कहाँ गए सबके सब? नीलू, क्या फोड़ रहा है? ब्रदर लॉ, सरप्राइज। क्या सरप्राइज? ये कोई सरप्राइज है? इन्हें तुम्हें रोज ही देखता हूं। फिर से देख, देखना फिर से देख। बस के बस, 2 महीने के लिए गई थी, 6 महीने बाद आई हूँ। Do you know how much I missed you? प्रेम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रेम, बात मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। लेकिन अब कोई बात बात नहीं, डायरेक्ट शादी और इंस्टेंट बच्चे चाहिए मुझे। अब प्रेम और इंतजार नहीं कर सकता। शादी हो जानी चाहिए, जवान लड़की को घर पे और नहीं बैठा सकते। अरे लेकिन शादी से पहले तो मंगनी करनी चाहिए। अरे एंगेजमेंट रिंग में 6 महीने से लेके घूम रहा हूँ। अच्छा प्रेम, प्रेम मेरी, अरे इस सगाई से किसको इतराज है? एक दूसरे को देखते ही रहोगे या मुंह मीठा भी करोगे? तीज करेंगे ना मुंह मीठा। ऑन द लिप्स प्रेम, ऑन द लिप्स, ऑन द लिप्स। होटो पे, होटो पे। क्या हो रहा है? पंडित जी मेरी सगाई हो गई। किससे? निशा से। पंडित जी अब जल्दी से शादी का मुहूर्त निकालो। क्या हुआ? असंभव, मैंने तुम दोनों की कुंडली पढ़ी है, ये विवाह नहीं हो सकता। कुंडली में लिखा है, लिखी को कौन बदल सकता है? पंडित जी मैंने भी आपकी कुंडली देखी है, आपके कुंडली में कहीं मार खाना लिखा है? सोच समझ के बोलिएगा, अगर आप बोलेंगे नहीं तो मैं आपको मारूंगा, अगर आप बोलेंगे हाँ तो मैं आपको छोड़ूंगा, अगर आप बोलेंगे हाँ तो मैं आपको छोड़ूंगा। तो फिर हम तुच्छ मनुष्य कौन होते हैं लिखी को बदलने वाले? चलो। लेकिन ये विवाह नहीं हो सकता, कुंडली में लिखा है। टाइगर, तुम वेलकम कर रहे हो, लड़की वाले कहाँ है? अभी तक आए। क्या? वो नहीं, मैंने उनके घर फोन किया था, कोई फोन नहीं उठा रहा है। वो क्या है, मुंबई ट्रैफिक, आ रहे होंगे, आ रहे होंगे। ओ प्रेम कुमार जी, क्या हुआ? मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। अरे तो फिर पकड़ के रखो। आपकी क्या समस्या है? दुल्हन की जा रहा है, मुहूर्त बीता जा रहा है। आपको मंत्र पढ़ना है ना?
तो आप मंत्र पढ़ना शुरू करो, मैं वरमाला पहन के वहां पे बैठ जाता हूँ। जब तक वो आएगी आपके मंत्र खत्म हो जाएंगे, आपके मंत्र के मार से बच जाएगी वो। वो आएगी ना? आएगी 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 आएगी। ओम गंग गणपते नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणवध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो। नीलू नीलू, निशा को इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी। हाँ बहुत देर होगी ना टाइगर। हाँ वीना, डोंट वरी, मैंने बल्लू और जीतू को निशा के घर भेज दिए। अच्छा, आ रहे होंगे, डोंट वरी। ओम सर्वग्रह शांति ओम नमः। पंडित जी मंत्र क्यों बंद कर दिए? शादी के सब मंत्र खत्म हो गए। अरे तुम्हें सत्यनारायण की कथा पढ़िए। सत्यनारायण की कथा? शादी की बात तो वैसे पढ़ के सुनाने वाले हो, अभी सुना दीजिए, डबल दक्षिणा दूंगा। जब तक लड़की नहीं आएगी ना मुझसे मंत्र पढ़वाता रहेगा। लड़की आएगी ना? आएगी 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 आएगी। सत्यनारायण महाराज की जय। प्रेम महाराज की जय। निशा ने मैसेज भेजा है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। वो यहां नहीं आ रही। बहन जी, भाई साहब प्लीज खाना तो खा के जाइए। बहन जी, दुल्हन तो मंडप में आ नहीं रही है, हमारा मन खाना खाने को कैसे करेगा। सॉरी। ये क्या हो गया? मुझे तो ऐसा लगता है किसी ने गंदा मजाक किया है। हाउ इज दिस पॉसिबल? शी लव्स मी एंड आई लव हर। फिर पंडित जी, पंडित जी आप इधर ही रुकिए, मैं उसे भी लेके आया, ये शादी जरूर होगी। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं उसको लेके आऊंगा, वहां से पूछो। ओके, आई एम श्योर। मेरी तरफ देखो ना। मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि तुमने मेरी विदाई कर दी। अच्छे भले मंडप को तुमने वेटिंग रूम बना दिया। वहां पर तुम्हारा इंतजार करते करते दो तीन यंग कपल्स की जोड़ी बन गई। मुझे तो मुझमें कोई कमी दिखाई नहीं देती। ये बताओ कि तुमने मुझमें क्या कमी देखी? ऐसा मत कहो प्रेम। I love you. And I love you too. Then why? तुम्हें कोई कमी नहीं प्रेम। फिर? कमी मेरी जिंदगी में है। आओ दिखाओ। सुनील का कैंसर एडवांस स्टेज तक पहुंच चुका है, इलाज के लिए लाखों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कैसा है सुनील? ठीक हूँ। रोमा मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, फिर पतंग उड़ाएंगे, गोटी खेलेंगे, बैट बॉल खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। लेकिन अब तो पहले सो जा, ना ख्याल रखना। बाय।
बहुत चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं मेरी जिंदगी से बहुत सी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। मैं राहुल से इसलिए शादी कर रही हूं कि मुझे सुनील के इलाज के लिए पैसे चाहिए। राहुल अमीर है, NRI है, न्यूयॉर्क से। लेकिन इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना यहाँ पे। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, सुनील का ख्याल रखूंगा, I promise you. I'll make it very big. और अगर तुम नहीं मर पाए तो हाँ, इसके चांसेस ज्यादा है मेरी लाइफ में। ए, तुमने कभी इसको देखा है? अगर वो साला अगली हुआ तो लेकिन मुझे एक बात बताओ तो, ये तुमने आज ही क्यों डिसाइड किया है? प्रेम, तुम्हें नहीं पता कि मैं कि तुम दुविधा में थी। हाँ, मैं दुविधा में थी, मेरा परिवार या मेरा प्यार। अब तो तुमको मालूम है ना कि तुम्हारा परिवार ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेम, हमें लगा था कि तुम बहुत बड़े पॉप स्टार बनोगे। कौन? माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन, आओ। ऐसा लगा था तुमको? और मैं साला गरीबों का दिल में दी भी नहीं बन पाया। I'm sorry, प्रेम, मुझे माफ कर दो। एक ही शब्द पे तुम्हें माफ करूंगा मैं, कि तुम अपने NRI राहुल को बोलना कि जो मैंने हमारी शादी में खर्च किए थे, जो कि हुई नहीं, 53,000 रुपीज, उसका मुझे रिफंड चाहिए, वो भी तुम्हारी शादी होने से पहले। कोई चांस नहीं। I love you too. तुम डर क्या रहे? ओके। क्या हुआ प्रेम? वो नहीं आ रही ना? आप सही थे पंडित जी, शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते प्रेम। मैं भी कहां गलत था पंडित जी, मैंने तो उससे प्यार किया था, और अब वो किसी अमीर आदमी से शादी करने जा रही है। ये सब ऊपर वाले का खेल है प्रेम, वो अगर जोड़ी तोड़ता है तो बनाता भी वही है। उसने तेरे लिए जरूर कुछ सोचा होगा। देखना प्रेम, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़की तेरा भी इंतजार कर रही होगी। आओ प्रिया। प्रेम अब तक नहीं आया दीदी? नहीं आया। जब से उसकी शादी टूटी है वो पूरी तरह से टूट गया है, पीने भी लग गया। हाँ प्रिया, कल रात को वो इतना पी के आया, इतना पी के आया कि उसे होश नहीं कि इस घर में कौन क्या है। मुझे माइकल जैक्सन समझ लगा और इसे जीजा। अच्छा हुआ कि मैंने विनोद, विल यू प्लीज शट अप। लगता है तुम लाउड स्पीकर बन के पूरी दुनिया को बताओगे कि मेरा भाई शराबी बन गया, पीने लग गया है। टाइगर, बहुत गलत हुआ नहीं? हाँ यार, बहुत बुरा हुआ। इंडिया 7 विकेट से क्रिकेट मैच हार गई। इंडिया 7 विकेट से मैच हार गया। बराबर बराबर। नहीं नहीं नहीं, तू क्या सोच रहा था कि मैं अपनी शादी टूटने की बात कर रहा हूँ? अरे नहीं नहीं,
वो तो मैं कब का भूल गया हूँ। हाँ तू तो भूलेगा ही ना, शादी तो मेरी टूटी है। तू तो यही बोलेगा कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन किसके अच्छे के लिए होता है? ए तू क्या कर रहा है? बर्फ तोड़ रहा हूँ सर। तू बर्फ तोड़ रहा है? यहाँ पे मेरा दिल टूट गया और तू बर्फ तोड़ रहा है? चल नीचे रख उसको। साइलेंस। हाँ थैंक यू। ये ले ले थोड़ा पी के ठंडा हो जाए। तू भी कैसा दोस्त है, कैसा दोस्त है तू? दारू पिलाया जा रहा है। अरे बोल प्रेम, मत पी मत पी मत पी दारू। नहीं मत पी यार, तू मत पी। हाँ मत पी। हाँ तू तो बोलेगा ही ना मत पी मत पी। तेरे को क्या पड़ी है? शादी तेरी नहीं टूटी, मेरी टूटी है। तेरे को क्या मालूम काम क्या होता है शादी टूटने का? यार मैं क्या बोलूं यार। तू ये बोल कि ये क्या है? तेरे को नहीं मालूम? मेरे को तो मालूम है, लेकिन मैं तेरे से जानना चाहता हूँ कि ये क्या है। बाप ये क्लास है। गलत, ये मैं हूँ खाली। मुझे ये बता कि ये क्या है। ये विस्की। गलत, यह है निशा। निशा मुझे ये बता कि ये क्या है। अरे बाप मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम। अरे इतना तो मालूम होना चाहिए ना। नहीं मालूम है यार। अरे रिचमैन है, रिचमैन। अब जब ये इसमें जाएंगी तो किसकी होंगी? ऑब्वियसली रिचमैन की। ये ग्लास देखो रिच दिखाई देता है। हाँ हो गई तेरे को, बहुत दारू पी लिए। मैंने ए तू हम लोग की बातें सुन रहा है क्या? तू बर्फ तोड़, बर्फ दिखा कैसे तोड़ते बर्फ। ये लड़की है निशा, वो दिल बहुत अच्छा तोड़ती है। जाके सीख उससे कि बर्फ कैसे तोड़ते। चल घर, चल मेरे घर चल यार। तेरे घर क्यों? कि मैं रस्ते पे हूँ क्या? मेरा घर नहीं है। तो भाई तेरे घर चल। मेरे घर पे कौन है? मेरी शादी हुई है? नहीं हुई शादी। ए बर्फ, तेरी शादी हुई क्या? नहीं हुई सर। तो आज मैं तेरे को दुआ देता हूँ कि तेरी शादी हुए, तेरी बीबी की शक्ल श्री बीबी जैसी, और तेरे पहले 3 बच्चे जाए अपने टाइगर पर। थैंक यू सर। थैंक यू के बच्चे। बर्फ तोड़, बर्फ बात करता सर। कल रात 8 बजे से लेके आज शाम के 5 बजे तक यार पक गया यार, चलना यार। अरे जब 3 घंटे में वापस आने का है तो किधर जाने का है? थोड़ा फ्रेश हो गया आते ना। अरे फ्रेश किसके लिए? इन लोग तो माइंड भी नहीं करते, अपना तो है भी कोई नहीं। बहुत गलत हुआ है नहीं? हाँ बाप बहुत गलत हुआ है, बहुत। तू किसकी बात कर रहा है? क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं ना। तेरे को क्रिकेट मैच की पड़ी है? यहाँ मेरी शादी टूट गई है, तेरी दोस्त की शादी टूट गई है और तू क्रिकेट मैच की बात करता है? मैं क्या बोलू, क्या बोलू? ये बता कि ये क्या है? ये तू है? ये मैं हूँ। गलत, मैं इतना पतला नहीं हूँ। ये बता क्या ये क्या है? ये निशा। नहीं यार मूंगफली तो कुछ भी नहीं मालूम है यार। अच्छा तेरे को मालूम है ना? हाँ। तो ये क्या है? तेरे को नहीं मालूम? नहीं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, बोल। ये है चना। ये चना नहीं, ये मैं, और ये मैं चना की तरह पक गया हूँ भिड़ो, और मैं तेरे को इसी से मारूंगा। मातृदेव भवा, मातृदेव भवा, मातृदेव भवा, मातृदेव भवा। इसका मतलब मालूम है? आपने बताया ही नहीं। अब मातृदेव भवा का मतलब होता है माँ जो है ये भगवान के समान है, इसकी सेवा करो, इसकी पूजा करो, इसे कोई कष्ट नहीं पहुँचाओ। अगर कोई कष्ट पहुँचाए तो उसे मारो, उसे पीटो, लेकिन माँ की रक्षा करो। क्या करो? माँ की रक्षा करो। मातृदेव भवा, मातृदेव भवा, मातृदेव भवा, भवा भवा भवा। मम्मी, क्या हुआ? मम्मी मामा कल तो शराब सोडा के साथ पी रहे थे ना। हाँ तो अब क्या हुआ? आज छोड़ दी। शराब छोड़ दी? नहीं तो सोडा, अब तो डायरेक्ट बोतल से पी रहे हैं। ओह नीलू लगता है इसकी पीने की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है। तो
समझ में नहीं आता प्रेम की शराब का मैं क्या करूं। दीदी मुझे एक आइडिया आया है। आइडिया? ओ तो बताओ ना जल्दी से। क्या? इधर इधर इधर। अरे कम ऑन। ओके यस यस। लेकिन पहले मैं जाऊंगा। ब्रदर इन लॉ मुझे भी एक पैक चाहिए। नहीं क्यों, मेरा तो दिल टूटा है, तुमको क्या हुआ है? मेरा भी दिल टूट गया। कैसे? अरे नीलू की तीखी जबान से। ए माय सिस्टर। माय वाइफ। ओके नो प्रॉब्लम टेक नो, इट्स बैड फॉर हेल्थ। तो फिर तुम क्यों पीते हो? नन ऑफ योर बिजनेस। प्रेम प्रेम मुझे भी ड्रिंक चाहिए। अरे मेरा तो दिल टूटा है, तुमको क्या हुआ? मेरा भी दिल टूट गया है। कैसे? गैस सिलेंडर के भाव बढ़ गए, सब्जी के भाव बढ़ गए, तंग आ गई मैं इस महंगाई से। मेरे लिए भी ड्रिंक बनाओ। तीज बिस्की के भी भाव बढ़ गए। सॉरी मामा, मामा, मामा। हेलो बच्चों। मामा हमें भी एक ताक बना के दो। हैं? अब तुम लोग क्या हुआ? मामा मैं हिस्ट्री में फेल हो गई, तो? मैं मैथ्स में फेल हो गया। तो टीचर ने इतना डांटा सुनकर हमारा दिल टूट गया। अब जल्दी से एक पैक बना। अरे तो फिर बादाम खाओ बादाम। हेलो प्रेम, दो चम्मच विस्की मिलेगी? मेरे घर में खत्म हो गई है। अरे दो चम्मच क्या मेरे पास? मैं कल लौटा दूंगी। ये तुम्हारा आइडिया था? तुम लोगों का? नीलू दीदी प्रदंगो। चुप हो जा तू, मैं तो तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके गंगा नदी में बहा दूंगा। मैं पिछले हफ्ते 10,000 रुपया दिया, उसका क्या हुआ? खर्चा हो गया। अरे मैं पंडित दोस्त मगलर नहीं हूँ। खर्चे पे खर्चा, बच्चे पे बच्चा, खर्चे पे खर्चा। चुप हो जा, नफरत है मुझे तेरी शक्ल से, तेरी माँ के घर में भेज दूंगा। खामोश। सुनिए तो, शादी से पहले तेरे पिताजी क्या बोले? बेटा शादी कर ले, तेरे को मोटरसाइकिल दूंगा, कलर टीवी दूंगा, कंप्यूटर दूंगा। क्या दिया? ये कचरे का डब्बा? राहु को पटाता हूँ, केतु को पटाता हूँ, शनि, हाँ शनि तो मेरे घर में इस रूप में, शनि शनि शनि, साढ़े साथ ही कहेंगे। नफरत है मुझे तुझसे, कुएं में धकेल दूंगा तुझे। सांप बन के बैठी है मेरी छाती पे, दूध नहीं मेरा खून पी रही है। अरे रुको 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 रुको, अरे मुझे क्यों मार रहे हो? मातृदेव भवा, दीदी लगता है आज प्रेम नहीं आएगा। आएगा जरूर आएगा। हाँ आएगा आएगा, दूध वाले के साथ आ जाएगा। पारे जी। ओ पोंगा पांडे। आ गया, दूध वाले से पहले आ गया। आई एम बेवड़ा नंबर वन पांडे। जीते रहो। पारे जी क्या हुआ? बताइए पंडित टाइम किधर है? मायके गए हैं। किसके साथ? बच्चों के साथ। अंदर औरत कौन है? शराब दे दूंगा। शराब मत दो, शराब दो, शराब दो, सुबह दो शाम दो। मेरे को अंदर जाने दो। पंडित Hi girls. Oh mon ami, mala mucha, mucha muchacha. You're tired.
ये लड़की है ना मोना, ये रिप्लेस करेंगी काजोल और माधुरी को। सवाली नहीं बताता क्यों? क्योंकि मैं नहीं होने दूंगा। यू आर गुड मैन, या मोना इज अ गुड मैन, लेकिन ये बाजू वाली है ना, वो लाल कपड़े वाली, बैड गर्ल, यू नो क्वाई? व्हाई? क्योंकि ये मेरे टूटे हुए दिल और तुझे शादी पे हंसती है, ये मुझे बोलती है कि वो तू चम्मच विस्की, हाउ मीन विस्की, तू एक विस्की की जगह तू चम्मच की विस्की मुझे बाटली देता, तू रोज मेरा देता हो जाएगा। अरे मोना, अरे मोना भाई, यू गोइंग मोना? अरे तू हंसता है, मेरी वाली भगा के? अरे यार भागी तो मेरी है, मेरा चैप्टर क्लोज, तेरा चैप्टर ओपन। हे बेबी, हे बेवड़ा, बाप बेवड़ा, तेरी माँ बेवड़ी, माँ का नाम तो केकबार, रूम केकबार, जीजा जी, आप लोग अभी तक सोए नहीं? लेट नाइट इज बैड फॉर हेल्थ। प्रेम तू जाके सो जा, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। दीदी मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक्चुअली तो आप मेरी दीदी हैं, लेकिन आप मेरी मां समान हैं। योर माई नीलू दीदी मम्मी, गुड नाइट नीलू दीदी मम्मी, आई गॉट गो। प्रेम, प्रेम उठना। प्रेम मैं तुझे उठा नहीं सकता, उठ। ओए ब्रो, ओए आई एम सॉरी ब्रो, सॉरी। मामा, मम्मी इज लाइक बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर? क्या हो रहा है इस घर में? हाँ, कोई कभी भी आता है, कभी भी जाता है, हाथ इधर गिरते हैं तो पैर उधर। जी, लगता दीदी मेरे बारे में बात कर रही है। नहीं मेरे भाई, मैं तो अपने पति देव के बारे में बात कर रही थी। हा? आप तो सुन रहे हो ना? हाँ, लेकिन कल रात को मैं जल्दी आया था नीलू। फिर भी सुनना पड़ेगा। ओके। एक लड़की क्या छोड़ के गई, पूरी जिंदगी खत्म हो गई। लड़की इसी हाल में देखने के लिए माँ बाप छोड़ के गए थे मेरे पास। ओह, तुम प्रेम की बात कर रही हो? नहीं तो क्या, तुम्हारी बात कर रही हूँ। डोंट बी सो स्टूपिड। नो नो नो, तुम कुछ करते क्यों नहीं? नीलू मैं क्या कर सकता हूँ, ये बड़ा हो गया, समझदार हो गया। जब हमारी शादी हुई थी तब तो छोटा था ना। हाँ। कितनी बार पीटा था तुमने इसे, अब लगाओ दो चार हाथ। अभी नीलू, तब की बात अलग थी नीलू, अभी मसल। तो तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे तुम। तो मेरी एक बात सुन लो, आज के बाद इस घर में रोना धोना टेंशन मायूसी कुछ नहीं चाहिए। Okay. खुशी चाहिए मुझे, खुशी। इसलिए संडे मैंने पार्टी रखी है। Oh. सबको बुलाया, आज हम नाचेंगे गाएंगे। और ये पिएगा? कैसे पिएगा दीदी, प्रेम ने जहाँ जहाँ बॉटल्स छुपाई थी मैंने सब ढूंढ ली। ये क्या कर रही तुम, छोड़ो मेरी बोतलों को, छोड़ो। सॉरी दीदी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? कुछ नहीं, बहुत अच्छा किया। चलो पार्टी की तैयारी करते हैं।
ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। के इस दिल से आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। दोस्त ना रहा प्यार, प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा प्यार, प्यार ना रहा। तोड़ गई तो मेरी क्या हक है तुम्हारा, तुम मेरी लगती कौन हो, क्या हक है तुम्हें मुझे इस तरह डांटने का, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती ना, दोस्त पड़ोसी कुछ नहीं, ओके। लेकिन लेकिन इन बच्चों के तो मामा लगते हो तुम, इनको रुलाने का क्या हक है तुम्हें, और दीदी इनके तो तुम भाई लगते हो, इनको दिन रात उदास रखने का क्या हक है तुम्हें,
और टाइगर तुम अपने दोस्त को कुछ समझा नहीं सकते। हम सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं प्रेम, लेकिन तुम्हें तो दुखी होने में ही मजा आ रहा है। यू एंजॉयिंग ना, हम सबको रुला के तुम्हें मजा आ रहा है। ठीक है, ड्रिंक, जितना चाहे पियो, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। आई एम सॉरी। कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए। क्या हुआ? पता नहीं किचन का नल टूट गया है। कहां से पानी आ रहा है? ओ ना, जल्दी आओ ना प्रेम। मैं आया। प्रेम, तुम जाओ। प्रेम, जल्दी आओ ना। संभालना, पानी गीला होगा। क्या हुआ? देखो ना प्रेम। ओ। किस तरह से ये नल टूट गया है? डोंट वरी। अरे माइंड ब्लोइंग, तुमने तो ठीक कर दिया। ओ, ओ। ओ। Okay? Okay. All right. Hello. Yeah? Prem? La la. तेरे को क्या हो गया यार? तेरे को फिर से खुश देखकर बहुत खुशी हुई मेरे को। टाइगर, मुझे फिर से प्यार हो गया। सच? लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी प्यार होना राइट है कि रॉन्ग। प्यार में सब राइट है बड़ू, सब राइट है। कब तक टूटा दिल लेकर घूमता रहेगा? दिल खोल कर प्यार करना चाहिए, पर किससे? सामने वाली से। क्या हो गया रे तेरे को? क्यों? तेरा टेस्ट खराब हो गया। नहीं, अच्छा है। क्यों? काम वाली से अच्छी दिखती है मगर। अरे पागल हो गया क्या काम वाली से? तो, अरे मैं घर वाली से। अबे तेरी तो घर वाली मेरी है बे। अरे वो नहीं यार। तो क्या है? प्रिया से। Oh, yeah. You mean Priya and you, yeah. And Mona and me. Yeah. 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 क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ नहीं तो शराब दे दूंगा। अरे पंडित जी, इसको प्यार हो गया है। प्यार हो गया? किससे? प्रिया से। मैंने कहा था ना तुम्हें प्यार होगा, तुम्हारी शादी होगी, 10-10 बच्चे होंगे। लेकिन पंडित जी, इसमें से कितने लड़के और कितनी लड़कियां होंगी? तनिक ये तो कठिन सवाल है, लेकिन सब बच्चे तुमको पापा बोलेंगे। इनको ताऊ लाओ। पंडित जी ये लो। दक्षिणा। सदा सुखी रहो और ऐसी खबर सुनाते रहो। अरे पंडित जी, अरे चुप, नहीं तो शराब दे दूंगा। मेरा ये लो पंडित जी, शराब दे दूंगा। अरे आशीर्वाद का मौज शराब ज्यादा देता है। ख्यालों में प्रिया के ख्याल में उसने बोला ना क्या आई लव यू? नहीं बोला तो नहीं, मुझे उसकी आंखों में दिखाई देता है। अबे प्यार अंधा होता है। मुंह से बोला आई लव यू, कान से सुना आई लव यू, जाके प्रपोज कर, शादी की बात कर। प्रिया। हाय। अरे प्रेम, तुमने मुझे फोन पे बताया, किसी को बताओ मत, और तुमने मुझे यहाँ अचानक बुला लिया, क्या बात है? प्यार की बात है,
मुझे प्यार हो गया। I'm in love. सच? हाँ। कौन है वो? ये नहीं बता सकता। लेकिन उस लड़की को ये भी पता है कि नहीं कि तुम उसे प्यार करते हो? उसकी आंखों से लगता है। तुम्हें क्या लगता है? अरे मैं कैसे बता सकती हूँ, मैंने तो लड़की को देखा भी नहीं। तुम्हें तो उसी से ही पूछना पड़ेगा। वही तो कर रहा हूँ। क्या सोचो, मानो कि तुम वो लड़की हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे हंसो मत, हाँ तो बोलो। अरे मैं इतनी जल्दी कैसे हाँ बोल सकती हूँ, तुम्हें और कुछ बोलना पड़ेगा, आगे बोलना पड़ेगा। Come on, don't be nervous. हाँ दो ना। I will be the best husband in the world. Really? Yeah. लेकिन शादी के बाद मेरी एक शर्त है। काम मैं करूंगा, तुम घर पे बैठ के बच्चे संभालोगी, क्योंकि बच्चे संभालना भी एक फुल टाइम जॉब है। और हमें थोड़ी कोई फैमिली प्लानिंग करनी है, 10-12-20 बच्चे। बस 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 बस। फिर कितने चाहिए? सिर्फ दो, एक लड़का एक लड़की। अरे उनके तो नाम भी सोच रखे मैंने, टीकू और टिकाटी। How sweet. Yeah. टीकू को हम लोग सचिन तेंदुलकर बनाएंगे, क्रिकेटर। अभी जाके मोहल्ले के कांच तोड़ता है, कल शायद जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दे। वाओ। या। लेकिन हम लड़की का क्या करेंगे? व्हाट अबाउट टिकाटी? अब तुम टिकाटी की फिक्र छोड़ दो भाग्यवान, उसकी शादी हो गई है, 4 बच्चे हो गए, वो हमारे दामाद के साथ बहुत खुश है। ऐसा होगा ना? जरूर होगा। प्रेम, तुम्हारा प्रपोज करने का अंदाज कुछ डिफरेंट है। अच्छा सुनो, मैं जल्दी में हूँ। मुझे वो जल्दी है। तो फिर कल मिलते हैं। ठीक है, मेरे घर पे 4 बजे। चाय के लिए? चाय पे। ओके डन। ओके बाय। मतलब वो भी तुझसे प्यार करती है? आज शाम को 4 बजे चाय पे आ रही है। Really? प्रेम, तेरा तो हो गया, मेरा कब होगा यार? हिम्मत रख, हिम्मत रख, तेरा भी होएगा। और हम दोनों की शादी एक ही मंडप में होगी। प्रेम, अरे 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 अरे। हाय प्रेम, हाय टाइगर। हाय, कंग्रेचुलेशंस। तुम्हें पता चल गया? कॉन्ग्रेट। थैंक यू। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? प्रेम, मुझसे कोई बात नहीं छुपाता, यू नो। प्रेम, कमाल है, मैंने तुमसे कुछ कहा भी नहीं और तुम्हें पता चल गया। तुम्हारे दिल की बात और मैं ना जानू, हाउ इज इट पॉसिबल? वाओ, बट यू हैप्पी ना? इवन आई एम वेरी हैप्पी। टाइगर, दिस फॉर यू। और मेरे लिए? तुम्हें कार्ड की क्या जरूरत है? क्या है ये? तुम ही बताओ ना। लेकिन तुमने दीदी को नहीं बताया ना? नहीं। ठीक है, मैं दीदी को बता के आती हूँ। अरे वाह, सगाई का कार्ड इतनी जल्दी छपा लिया? आजकल के लड़का लड़की शादी ब्याह के मामले बहुत फास्ट होते हैं, आगे पढ़ना। ऑफ कोर्स, यू आर क्वार्टरली इनवाइटेड फॉर द एंगेजमेंट सेरेमनी ऑफ प्रिया शर्मा एंड राहुल। राहुल पुगलिया? तेरा रियल नेम राहुल पुगलिया है? ठीक से पढ़, प्रेम लिखा होगा। यू आर क्वार्टरली इनवाइटेड फॉर द एंगेजमेंट सेरेमनी ऑफ प्रिया शर्मा विद राहुल पुगलिया। तेरा नाम भी है रे, मगर नीचे ग्रैंड म्यूजिकल शो बाय प्रेम एंड पार्टी, तो उसकी सगाई में गाना गाने वाला है। एंगेजमेंट कार्ड? पर प्रिया, तुमने तो पहले कभी बताया नहीं। सरप्राइज देने के लिए, अगर मैं पहले बता देती तो आप लोग इस तरह चौंकते नहीं। सरप्राइज तो सरप्राइज होना चाहिए ना। जरा उन दोनों को देखिए कैसे चौंक गए।
प्लीज तुम बुरा मत मानना, मैंने पूछे बगैर तुम्हारा नाम कार्ड में छाप दिया। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मुझे इतना भी हक नहीं है? है ना? सो स्वीट। लेकिन तुम सगाई में गाने के लिए पैसे जरूर लेना। नहीं, पैसे कैसे ले सकता हूँ? क्या नहीं नहीं दीदी, आप इसे कुछ समझाए ना कि शो में डबल पैसे ले। मेरा जो मंगेतर है ना, वो बहुत रिच बना रहा है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग कितना चुप क्यों हो गए? चौंका दिया तुमने ये खुशखबरी सुना के। That's the point. अरे मम्मी भी आ गई। Hi guys, hi. टाइगर ये प्रिया की मम्मी है। नमस्ते। और आंटी ये है प्रेम। राइट। प्रिया ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। माँ, इनको छोड़िए, पहले दीदी और जीजा जी से मिलिए। नीलू जी, आपने मेरी प्रिया का बहुत ख्याल रखा है। अब उसकी सगाई भी यहाँ हो रही है, तो सगाई में आप लोगों को हाथ बटाना होगा। जी जरूर। माँ, ये कोई कहने की बात है? अरे प्रिया, राहुल आ गया। वाओ, क्या दिखता है यार, क्या दिखता है, ऐसे कैसे दिखता है? ये मेरे मंगेतर है राहुल, एंड इज माय बेस्ट फ्रेंड प्रेम। हाय। हेलो। लेकिन बहुत गलत हुआ है। नहीं हिम्मत राख, हिम्मत अभी भी चाइना से बड़ू। तू तो यही बोलेगा ना कि अभी तो मंगनी हुई है, शादी कहाँ हुई? फिर बोलेगा शादी हुई है, बच्चे कहाँ हुए? बराबर। यस सर। आज क्या तेरी शादी है? नहीं सर। फिर आज दिवाली है? नहीं सर। तो फिर इतने सारे लाइट ऑन क्यों है? बंद कर ये लाइट और एक स्पॉट लाइट दे मेरे टूटे हुए दिल पे। हेलो। हाथ मिलाने देना। मैंने तेरे लड़के से कभी हाथ मिलाया? अरे मैंने भी किधर मिलाया है। तो फिर ए टाइगर, मेरे को लगता है कि दुनिया एक स्टेज है, ऊपर वाला डायरेक्टर है और हम सब एक्टर्स हैं। तो देखने वाला कौन? यही तो सस्पेंस है। अच्छा मुझे एक बात बता, ये क्या है? राउंड टेबल? नहीं, ये चेस का बोर्ड है। चेस का बोर्ड है। अच्छा मुझे बता ये क्या है? ये गाजर का टुकड़ा है। ये गाजर का टुकड़ा नहीं है, ये रानी का मुकड़ा है, हमारी शतरंज की क्वीन, मेरी प्यारी प्रिया। अच्छा ये बता ये क्या है? चना? चना नहीं है, ये राहुल है, हमारा शतरंज का घोड़ा, जो चना खा के ढाई खत्म आगे चलता है। अच्छा ये बता ये क्या है? ये यार मालूम नहीं। क्या तू अपने बचपन के दोस्त को भूल गया? ये मूली मैं हूँ प्रेम, मूली सा मामूली जो एक ही सदमे में ऐसा सफेद हो गया है। ओह सैड। लेकिन जब गाजर और चने की जोड़ी रास्ते पर चलेगी तो कैसी लगेगी? अरे जोड़ी तो होती है गाजर और मूली की, रेड एंड व्हाइट। एब्सोल्युटली ब्राइट। हाँ, लोग कहेंगे देखो इनका प्यार, इनका लाड, जस्ट लाइक अ सलाद। लेकिन इस माचिस ने आग लगाई है। ये माचिस ने? ये माचिस नहीं है, ये माँ है। चिस साइलेंट? चिस साइलेंट, ये प्रिया की माँ है। नहीं सत्य? सत्य? प्रणाम माता जी। पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। थैंक्स मॉडर्न मॉ। लेकिन इस चीज ने, हाँ इस माचिस ने कभी मूली की आंखों में गाजर के लिए प्यार देखा ही नहीं और कार्ड पे चने का नाम छपवा दिया और मूली मूली लॉस्ट।
अरे रे रे रे। देख मेरे प्यारे मुली, कल गाजर और चने की सगाई है, वहाँ पे गड़बड़ मत करना, एकदम चुप रहना, ओके माय गुड बॉय। ये सुना, दुख में पियो दारू, सुख में पियो सुख, अमीर आदमी की पार्टी में गरीब आदमी चुप। Okay, look here. Okay. Very nice. All right. दोस्तों, सदियों से हमारे हिंदुस्तान पर परदेशियों ने हमला किया और यहाँ की खूबसूरत चीजें चुरा कर अपने साथ ले गई। कोई कोहिनूर चुरा कर ले गया तो कोई तख्त और ताज, और हम कुछ नहीं कर पाए। आज भी एक परदेशी हमारी प्यारी से प्रिया को अपने साथ उठाकर ले जा रहे हैं चोरी करके, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। यकीन मानिए आज हम बहुत खुश हैं, क्योंकि जो ले जा रहे हैं वो भी हमारे अपने हैं और जो जा रही है वो भी हमारी अपनी है। मिस्टर राहुल फुगलिया। इट्स नॉट फुगलिया, इट्स पुगलिया। फुगलिया फुगलिया फुगलिया, द ग्रेट बिजनेसमैन फ्रॉम न्यूयॉर्क, जो शादी करके हमारे प्यारे सी दोस्त प्रिया शर्मा को प्रिया फुगलिया बनाकर हमेशा के लिए न्यूयॉर्क ले जा रहे हैं। एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव देम अ बिग हैंड एंड लेट्स सेलिब्रेट दिस ब्यूटीफुल होली ओकेजन बाय बिगिनिंग द रिंग सेरेमनी। ऐसे कैसे चलेगा प्रेम, तुम्हें तो गाना गा के मुबारकबाद देनी होगी। आज मैं गा नहीं पाऊंगा। Why not? You supposed to sing. Sorry, मैं तैयार नहीं हूं। Come on, man. एक दोस्त की सगाई में एक दोस्त को गाना गाने के लिए क्या तैयारी? हाँ, you are such a good singer, man. Come on, come on. चल 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 चल. Come on. Come, 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 come. Think this is your stage, huh? अब एक अच्छा सा गाना हम लोग के लिए प्लीज यार, कम ऑन। प्रेम, यू आर अ स्ट्रांग मैन, प्लीज पिक इट अप, आई विल अरेंज अ गिटार फॉर यू। कम ऑन, कम ऑन बडी, कम ऑन, गिटार प्लीज। यस सर। थैंक यू, यू आर वेलकम। नाउ वी हैव अ गिटार। अब तो गाना गाओगे ना यार, प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ बिग हैंड टू मिस्टर प्रेम कपूर। यस, कम ऑन, या। हे प्रेम, कम ऑन सिंग मैन। मैं गा नहीं पाऊंगा।
लगता है प्रेम गाना नहीं चाहता है। Why not? Hey प्रेम, come on sing. राहुल, relax. प्रेम, अगर तुम गाना नहीं चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, आ जाओ। नहीं मैं गाऊंगा। Are you sure? सभी ने
बार ना जाने किसने प्रिया प्रिया तुम सा नहीं कोई प्रिया तू खुश रहे जहां भी रहे ये मेरे दिल की दुआ ओ, 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 ओ प्रिया 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 तुम सा नहीं कोई प्रिया ओ प्रिया क्या गलती की कोई गलती नहीं की फिर ये सब क्यों हुआ वो भी दूसरी बार एक बात बताऊं तुझे यकीन नहीं होगा शादी से पहले मुझे 9 लड़कियों ने रिजेक्ट किया था हाँ किसी ने कहा मेरी नाक लंबी है किसी ने कहा मेरा पेट भार है किसी ने कहा मेरे बम्स बड़े हैं उसके बाद भी मेरी जिंदगी में एक लड़की आई जिसने मेरा दिल देखा तुम्हारी बहन और आज मेरे पास जिंदगी की हर खुशी है अरे ब्रदर इन लॉ अगर मुझ जैसे डफर को इतनी अच्छी लड़की मिल सकती है तो तुझे तुझे मतलब प्रेम ऑफ प्रेम एंड पार्टी को क्यों नहीं मिलेगी तुम बोल के तो देखो तुम्हारी शादी के लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगी मैं हाँ मामा अगर मैं आपकी भांजी नहीं होती तो अभी आपसे शादी कर लूंगी अगर मैं माइकल जैक्सन ना होके मैडोना होता तो मैं अभी आपसे शादी कर लेती प्रेम डोंट वरी तुम इतने हैंडसम हो कि मैं भी तुमसे शादी कर लेती तुम इतने अच्छे हो कि मैं भी तुमसे शादी कर लेती हाँ प्रेम अगर मेरी सगाई नहीं हुई होती ना तो मैं तुमसे शादी जरूर कर लेती तो तोड़ दो ना सगाई तुम्हारी यही बातें तो मुझे सबसे अच्छी लगती है पता नहीं तुम्हारे बगैर मैं कैसे रह पाऊंगा पता नहीं मैं भी तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगा पागल सोम मंगल बुध जनवरी फरवरी मार्च ये हाय प्रेम हाय टाइगर व्हाट अ सरप्राइज मैं तुम्हारी छोटी बहन के लिए अचार लेके आया लेकिन मेरी छोटी बहन है तो इसमें भी अचार है कहाँ पंडित जी चीजा जी ने आपके लिए कैंची भेजी है कैंची क्यों गड़बड़ की तो छोटी का पंडित जी बोलिए मुहूर्त निकालिए ना हाँ निकालिए जल्दी और अच्छा मुहूर्त निकालिए पंडित जी चलिए 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 मानते हैं जी मुहूर्त निकलना कठिन है हा? लेकिन माँ सगाई से पहले तो सब कुछ ठीक था ना हाँ और पंडित जी राहुल तो अगले महीने न्यूयॉर्क जा रहा है तो शादी तो 30 को होनी ही चाहिए कोई तो रास्ता होगा ना रास्ते में दो दुष्ट ग्रह मिल गए पीछा करते करते यहाँ तक भी पहुँच गए एक लंबा वाला है एक चौड़ा वाला है जिसके डर से सौ मंगल बुध सब जंगल में भागकर चले गए इसका मतलब ये है कि प्रिया शादी के बाद जंगल में रहेगी हाँ, इस कुंडली में प्रिया का जंगल योग भी लिखा है ऐसी सेम कुंडली मैंने भी सीता मैया की देखी थी शादी करने के बाद 14 साल वनवास माँ
मैं जंगल नहीं जाऊंगी। अरे चुप, कुछ नहीं होगा। व्हाट नॉनसेंस या प्रिया, ऐसे कभी नहीं कुछ होता। अरे होता है, होता है, होता है, होता है। यहाँ इतनी टेंशन है प्रिया की शादी की और तुम मेरे को आंख मार रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? समझा करो, समझा करो, समझा करो। क्या समझा करो, मैंने तुमको बोला ना कि पहले मैं बनूंगी स्टार फिर करूंगी प्यार। भरोसे की क्या बात है, इस कुंडली में लिखा है स्टार कभी नहीं बन सकती। आंटी, ओहो पंडित जी, हमें शादी की बड़ी जल्दी है, कुछ तो कीजिए ना। क्या करो माते, सब ग्रह क्रोधित है, अशांत है। लेकिन लेकिन इस अशांति को रोकने के लिए ग्रह शांति की पूजा करे तो, मेरा मतलब है किसी अच्छे ब्राह्मण को बुला के खास पूजा पाठ करके 5-6 हजार का दान करे तो। 6 हजार? हाँ माते, मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, अच्छा भी हूँ, 6 हजार रुपया मिल गया, पूजा पाठ से सब ग्रह अब ग्रह को शांत कर दूंगा। हाँ माँ जी, बड़ा विद्वान पंडित है ये, कैंची याद है? तुमने 1500 दिए थे, ये 6 हजार दे रही है। तो 200 करके इंस्टॉलमेंट पे दे दूंगा मैं। मैं उधारी नहीं रखता, छुट्टी कट जाएगी, मैं फिर बढ़ा लूंगा। क्या हो रहा है पंडित जी? मैं दुष्ट ग्रहों को पटा रहा था। लेकिन मुहूर्त तो निकल आएगा ना? अवश्य मानते, माया में है बहुत शक्ति, 30 तारीख की शादी पक्की। चलो मुहूर्त तो निकल आया। प्रेम जी, आज से शादी की सारी जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी। हाँ माँ जी, आपकी बेटी हमारी घर की बहू जैसी। क्या? यानी हमारे घर वाली है ना, मेरा मतलब हम अपनी है ना, अपनी है, घर वाली है। चलें चलें पंडित जी। मैं पैदल चला जाऊंगा। हम लोग भी पैदल ही जा रहे हैं, एक साथ में चलेंगे, सब थक जाएंगे। अरे थकने नहीं देंगे, हम तो मैं उठा लेंगे। तुमने मेरे को उठाया है, भगवान तुम दोनों को उठाएगा। पंडित जी, कौन से चक्की का आटा खाते हो? मैं तुम दोनों को शराब दे दूंगा। बाय डार्लिंग, बाय। कम ऑन राहुल, हरी अप, क्विक। अरे तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? पहले मेरे साथ तो चलो। पर कहाँ? भूल गए, आज शादी की शॉपिंग करनी है। अब ये मत पूछता किसकी शादी। लिसन 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 डार्लिंग, अंदर इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, मैं नहीं आ सकता, तुम चली जाओ प्लीज। मैं अकेली शॉपिंग के लिए चली जाऊँ? अरे नहीं, मतलब किसी को भी ले जाओ, अपने किसी दोस्त को ले जाओ, हाँ, मोना या प्रेम को, और कैशी से जितना पैसा चाहिए ले लो, मेरे लिए भी शॉपिंग कर लेना प्लीज। डार्लिंग प्लीज। शर्मा जी, राहुल डार्लिंग लिसन टू मी, आई एम रियली सॉरी, आई कांट कम। देखो तुम्हारे नाम पे इतना अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, आई कांट कम, आई सी यू इन द इवनिंग, हाँ गुड गर्ल, बाय। अरे प्रिया। हाय प्रेम। मुझे शादी की शॉपिंग करनी थी, राहुल बिजी है, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ चली जाऊं। बट माय लक, तुम भी बिजी हो। किसने कहा मैं बिजी हूं? चलो। लेकिन तुम्हारी रिहर्सल कैंसिल। चलो पाजी, बाय। प्रेम, ये इयररिंग्स कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब खरीदी रही हो ना तो ये खरीदो, डायमंड्स, बिकॉज लाइक ट्रू लव, डायमंड्स आर फॉरएवर। ओके, ये जरा पैक कर देना, 4-5 पैक कर देना, क्योंकि इसका जो होने वाला है ना बहुत पैसे वाला है। आइए जरा ये दिखाइए। श्योर, टिंटलिंग। प्राइस कितनी इसकी? 19,500 ओनली। वापस रख दीजिए। ले लीजिए ना, गोल्ड का है, गोल्ड गोल्ड। बचता है क्या प्रेम? हाँ, मैं तो तुमसे पूछने भूल गई। क्या? उस दिन रेस्टोरेंट में तुम उस लड़की को प्रपोज करने की बात कर रहे थे ना, उसका क्या हुआ? ला ला, उसकी भी सगाई हो गई। क्या? आई एम वेरी सॉरी। अरे
आई एम हैप्पी। चलो इस बार शादी का खर्चा बच गया और मंडप से अकेले घर पे नहीं आना पड़ा। प्रेम, जब मैं शादी करके अमेरिका चली जाऊंगी ना, तो वहां से मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के लाऊंगी। क्या तुम मेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढोगी? या ऑफ कोर्स, लेकिन तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? ऐसी। काश तुम मेरे दिल की आवाज सुन सकती। मेरी सफाई है
कमाल, तेरा असर कमाल, तेरा रूप है कमाल, तेरा नखरा कमाल। ओ तू चीज यारा कमाल, सावरिया रे ओ सावरिया, ले के दिल तू ओ सावरिया, सावरिया रे ओ सावरिया, ले के दिल तू ओ सावरिया, सावरिया रे ओ सावरिया, ले के दिल तू ओ सावरिया। अभी एक दुल्हन की तरह शर्माओ। ओ प्रिया प्रिया प्रिया, देख तू दुल्हन है और मैं दूल्हा हूँ और कैमरा ऑन है, ओके? अभी नजरें झुकाओ, अभी धीरे धीरे दूल्हे की तरफ देखो। प्रिया प्लीज बी सीरियस। अरे मैं सीरियस कैसे हो जाऊँ यार, तू लड़की और लड़के का रोल कर रही है, ऐसा नहीं होता यार। अरे एक रिहर्सल है। हाय प्रेम। हाय प्रेम। ये राहुल के कपड़े। ओह थैंक गॉड यू आर हियर, तुम बिल्कुल ठीक टाइम पे आए हो, तुम्हारे आने से मेरा सारा काम हो जाएगा। ओके नाउ यू जस्ट स्टैंड हियर, ओके परफेक्ट। व्हाट्स परफेक्ट? क्या परफेक्ट? यू नो मैं कल दुल्हन का टेस्ट शॉट दे रही हूँ, इसलिए मैंने इसको दुल्हन और तुमको मैं दूल्हा बना रही हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। okay. इनको पकड़ के रखी, ये भाग जाएंगी, मेरी ऑलरेडी भाग चुकी है। कम ऑन। ओके आर यू सीरियस? आई एम। ओके प्रिया ये एक दूल्हा है और एक लड़का है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? प्रिया मेरे लिए इट्स जस्ट अ शूटिंग, प्लीज प्लीज। ओके ओके ग्रेट, लेट्स स्टार्ट, वन सेक। आप दोनों बंधन बांधो। प्रेम प्रेम प्रिया की मांग में अब सिंदूर भरो। एक दूसरे का हाथ पकड़ो। अब दोनों फेरे शुरू करो। राहुल जस्ट रिलैक्स। ओके रिलैक्स। व्हाट रिलैक्स? क्या कर रहे हैं दोनों? राहुल ये लोग मेरे लिए एक्टिंग कर रहे हैं, कल मुझे दुल्हन के रोल का स्क्रीन टेस्ट देना है तो मैंने जबरदस्ती इनको दुल्हन और दूल्हा बनाया। इट्स जस्ट अ शूटिंग, वो देखो वो कैमरा है, इट्स जस्ट अ रिहर्सल हैपनिंग, नथिंग एल्स, जस्ट अ रिहर्सल। रिहर्सल? या ओ गॉड आई एम सो स्टूपिड, मुझे लगा तुम लोग शादी कर रहे हो। बेबी आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हां इट्स ओके प्रेम, थैंक गॉड, मुझे लगा मुझे अपने लिए दूसरी दुल्हन ढूंढनी पड़ेगी। ये गटर इतनी टाइट किसने बांधी? हमने। काफी मजबूत बांधी। वो मैंने कपड़े रख दिए। थैंक्स प्रेम। बाय प्रेम। तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दूंगा? ओना
इसके खास दोस्त टाइगर को भी बुलाओ। क्यों? क्योंकि 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 आज रात में एक पार्टी दे रहा हूं। पार्टी? किस खुशी में? यू नो प्रेम, मैंने कल ही प्रिया के नाम से एक नया बिजनेस शुरू किया और आज मुझे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। शी इज वेरी लकी फॉर मी। शी इज। सो लेट्स सेलिब्रेट, इट्स माय पार्टी। हाय विकी, हाउ आर यू बडी? आई एम फाइन। एनीवे, मीट माय फ्रेंड सुनीता। हाय सुनीता, कम ऑन यार। चल चल, लेट्स गो। कम, शराब मत पियो ना। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? दोस्त, पड़ोसी, क्या? लेकिन प्रेम, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना। तो आज मेरे दोस्त की फियांसे की पार्टी है, आज तुम्हें पीऊंगा। नो प्रेम, प्लीज, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज डोंट ड्रिंक। नहीं पीऊं। देखा हुआ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तुम्हारी कजिन प्रिया और प्रेम, उन दोनों के बीच में कुछ? डोंट बी सिली, उसकी तो शादी राहुल के साथ होने वाली है। एंड प्रेम इज जस्ट अ फ्रेंड। यकीन नहीं आ रहा? तो जाओ प्रेम को डांस फ्लोर पर ले और प्रिया का रिएक्शन देखो। रियली? प्रेम, हे प्रेम, प्लीज कम एंड डांस विद मी, कम ऑन, गेट अप। ओके, गुड गर्ल, लगता है प्रेम ने तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया। Hey! I want one more ring. Why not? Even I want a dance. Hey! Relax, relax. Priya, तुम ठीक हो ना? Priya? Priya? Okay. प्रेम, तुम बहुत अच्छा नाचते हो. Very good. Oh God. Priya? What happened? मेरी बहुत तबीयत खराब हो गया है। Mona, just take her to the ladies' room, na, please. आराम से। Oh no. पहली बार पी है ना? That's why she's feeling tipsy, you know. Now you're enjoying the party. Loving. My party, man. Pinky, how are you, baby? I'm fine. How are you, ma? You know, ये मेरे साथ थी गोवा में लास्ट टाइम। आई कैन अरेंज फॉर यू गाइस, तुम लोगों को चाहिए क्या? इट्स माय बॉडी मैन, माय बॉडी। प्रेम, प्रेम, इसने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, चलो यहाँ से चलते हैं। राहुल, चलो चले। व्हाट मोना, पार्टी जस्ट स्टार्टेड, कम ऑन मैन, इट्स माय बॉडी, यू नो। पार्टी जस्ट फिनिश, शी इज नॉट फीलिंग वेल, इसने उल्टी कर दी है, लेट्स गो। चुड़ैल, गो गेट द कार प्लीज। बिल मेरे ना फाड़ गया, मेरे खिस्से में 250 रुपए यार। तो कुछ कर, मैं इसको छोड़ता हूँ। ठीक है, दे दो। वेटर, वेटर, कमाल है यार, इतना बुलाने को आने का क्या बात है। एनीवे, स्टॉन्ड बाय पार्टी, स्टॉन्ड बाय पार्टी।
प्रेम, तुम क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रिया राहुल में क्या देख के शादी कर रही है। वेरी सिंपल, यू नो राहुल इज वेरी गुड लुकिंग। ये भी है। राहुल इज वेरी इंटेलिजेंट। ये भी है। राहुल का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। इसका भी है। राहुल प्रिया से बहुत प्यार करता है। ये भी करता है। ओह आई सी। ओह हो, वो वहाँ पे उड़ा है। ये भी है। वो NRI है। वो नॉन रेजिडेंट इंडियन नहीं, नॉन रिलायबल इंडियन है। याद है क्या कर रहा था वेटरसों के साथ? फ्लर्ट कर रहा था। फ्लर्ट कर रहा था। बट ही इज रिच, यू नो, उसके पास बहुत पैसा है। हनी मनी टॉक्स, यू नो। अरे व्हाट मनी टॉक्स यार, व्हाट मनी टॉक्स? क्या मैं मेहनत करके पैसे नहीं कमा सकता? कमा सकता है तो फिर तो कमा। आई एम ग्लैड। प्रिया ये लो नींबू पानी पी लो, हैंगओवर उतर जाएगा। कम ऑन। ओह गॉड, मेरा सर चकरा। मैंने राहुल को मना किया था कि मुझे नहीं पीना है और फिर भी तुमने पी ली, क्यों? पता नहीं। वाह, कितना गंदा टेस्ट था उसका। एक ही घूट में कितनी जलन हो रही थी मुझे। जलन? देयर यू आर लेडी, तुम्हें जलन हो रही थी मुझसे और इसीलिए तुमने पी ली, राइट? क्या? जलन और तुमसे? व्हाट नॉनसेंस। यस यस, क्योंकि मैं प्रेम के साथ डांस कर रही थी, यू नो क्लोज डांस, इसीलिए तुम्हें जलन हो रही थी, इसीलिए तुमने पी ली। मुना रुक, मुना रुक, तू क्या क्या बोल रही थी मुझसे? रुक रुक, मुना 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 बैठ। अच्छा मुझे ये तो बता कि तू क्या बोल रही थी मुझे? इधर आ, मैं वही बोलना चाह रही हूँ जो तेरा दिल बोलना चाहता है। ओके नाउ टेक माय स्वेयर। जब मैं प्रेम के साथ डांस कर रही थी तो तुम्हें जलन हो रही थी कि नहीं? वैसे प्रेम भी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। क्या 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 क्या? तुझे क्या पड़ी प्रेम के बारे में? छोड़ ना मोना, प्लीज बताना बताना प्रेम क्या कह रहा था। क्या बताऊं? वैसे कह रहा था कि प्रिया इतनी अच्छी लड़की है, पता नहीं अपनी सारी जिंदगी राहुल के साथ कैसे बिताएगी। तो तूने क्या कहा? मैंने मैंने ये कहा कि राहुल इतना अच्छा लड़का है, NRI है, वेल टू डू है, वेल सेटल्ड है, और एक लड़की को क्या चाहिए जिंदगी में। लेकिन तूने प्रेम को ऐसे क्यों कहा? तो मैं क्या बोलती? हाँ ये बोलती कि जिससे तुम शादी करने जा रही हो उसे तुम चाहती नहीं हो, और तुम्हारा दिल जिसे चाहता है वो तो तुम्हें खुद मालूम नहीं है। मुना तू ये क्या कह रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, या जो मैं कहना चाहती हूँ तू सुनना नहीं चाहती, लेकिन तेरा दिल जो कहना चाह रहा है उसे तो सुन ले।
चाहे जी भर के चाहूं उसे मैं, चाहत का मौसम न बीते कभी, उसके ख्यालों में खोया रहूं मैं, मंजिल मुझे तो मिलेगी वही, मुझे बार बार है इंतजार कब आए यार हो। अरे बढ़िया से पूछ लो। हेलो हेलो दीदी, मैं प्रिया बोल रही हूँ। हाय प्रिया, प्रेम कहाँ है? आपने उसको मेरा मैसेज नहीं दिया। मैंने तो तुम्हारा मैसेज दिया था। तो फिर उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? प्रिया, प्रेम बहुत जल्दी सुबह निकल जाता है और रात को काफी देर से भी आता है। क्यों, कुछ खास बात है? हाँ दीदी, खास बात है। तो मुझे बताओ ना। नहीं दीदी, मैं पहले प्रेम को बताऊंगी फिर आपको, बहुत बड़ी सरप्राइज है। अच्छा सुनो प्रिया, कभी कभी घर भी आया करो, ये तो तुम्हारा अपना ही घर है। हाँ दीदी, घर तो अपना ही है और एक दिन तो आना ही है। बाय दीदी। बाय प्रिया। सुनो भाई साहब, सुनो सुनो भाई। क्या सुनू, वो खुले मेरी धुन चुरा मैं बैठू। अरे इसीलिए तो तुम्हें 500 रुपये दे रहा हूँ, रख लो, हक के है। देखो मैं कुछ बनने आया हूँ, बिकने नहीं। मगर सुनो, अरे सुनो, ये टैलेंटेड लोग का यही प्रॉब्लम है। हाय प्रेम, कितने दिनों से ढूंढ रही हो, कहाँ हो तुम? दीदी ने मैसेजेस नहीं दिए। दिए तो फोन क्यों नहीं किया? मैं थोड़ा सा बिजी था। हाँ वही तो, जब देखो घर से गायब, सुबह किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास और रात को शादी में गाना, ये क्या लगा रखा है? 24 घंटे भाग ही रहे हो। मैं सिर्फ पैसे कमाना चाहता हूँ, एनी प्रॉब्लम? पर क्यों, क्यों चाहिए तुम्हें इतना पैसा? प्यार पाने के लिए। पैसों से तो प्यार पाओगे? क्यों नहीं, लेकिन तुम इतनी भोली बन की मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम भी तो राहुल के साथ शादी इसलिए कर रही हो क्योंकि उसके पास पैसा है। यू मीन टू से मैं राहुल से पैसों के लिए शादी कर रही हूँ? और नहीं तो क्या, मम्मी ने कहा बेटा ये पैसे वाला लड़का है, इसके साथ शादी कर लो। बेटी ने कहा ओके, कार्ड छाप दिया, खेल खत्म। क्यों ऐसे ही है ना? हाँ। तुमने बिल्कुल ठीक समझा मुझे, राहुल से मैं पैसों के लिए शादी कर रही हूँ। यू आर राइट, बाय। Hi, Brain. Tiger. Girls, have a good time. Hey, Tiger, आना मेरे पास बैठना। मेरा frustration थोड़ा सा और बड़ा। यार अपने पास एक के वन दे, तू दो-दो लेके घूम रहा है। Hey, Double. सुधरेगा नहीं बच्चा। और तेरी तरह बिगड़ भी तो नहीं सकता हूँ। लेकिन कुछ भी बोल यार, तेरा स्टाइल बड़ा मस्त है। ए, 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 लड़कियों के साथ घूमो फिरो, ऐश करो, ये लो। एक्सक्यूज मी, 2 मिनट्स? नो, ओके। डबल सर। थैंक यू, ये लो। और हमें कि हम हर रिश्ते को 7 जन्म का रिश्ता समझ लेते हैं और दिल दे देते हैं, और लड़कियां हैं कि हमारे दिल को तोड़ देती है।
पापड़ की तरह। चीयर्स। चीयर्स। चीयर्स टाइगर। चीयर्स। हे टाइगर, मालूम है बचपन से क्या बनना चाहता था? क्या बनना चाहता था? डॉक्टर, सिंगर, पायलट? अरे नहीं यार, मैं बचपन से तेरी तरह प्ले बॉय, कैसोनोवा, सुपर स्टार बनना चाहता था। अरे रोज शाम को शर्ट बदलो, पैंट बदलो, स्टाइल बदलो, फटाओ। दोस्तों कंफ्यूज करोगे भाभी कौन। आई लाइक योर लाइफस्टाइल, ओके, आई लाइक योर लाइफस्टाइल। फ्री बर्ड उड़न चू पंचू। ज्यादा उड़ मत, टपक जाएगा। अरे यार बिना उड़े ही टपक गए ले। ए बट आई एम हैप्पी फॉर यू, हैप्पी। तुझे क्या लगता है मैं बहुत खुश हूँ? हाँ बहुत खुश है। नहीं बिल्कुल नहीं, देखते देखते जवानी यूं निकल जाती है, 40-45 का होते ही एकदम अकेलापन, घर जाने को मन नहीं करता है, और फिर ऐसे रेपुटेशन के साथ कौन शादी करेगा? कब बच्चे होंगे? कहीं है बच्चों को पापा की जगह दादा ने लगने लगू। समझ रहे ना? क्या समझने की कोशिश कर, घर पे कोई तो होना चाहिए जो पास लेकर धीरे से कहे सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा डार्लिंग। अपने आप हो जाता है। मैंने बहुत जिंदगी देखी है, अपने दिल की बात बताने में देर नहीं करनी चाहिए। जाके बता दे प्रिया को कि तुझसे प्यार करता है। क्या रे समझा नहीं? समझाऊं? ये है मेरा फ्यूचर, तुझे ऐसा फ्यूचर चाहिए? नहीं, मैं भी जाके उसको बोल के आता हूँ। अबे सुन, उसको ये मत बोलना कि मैंने बोला है। नहीं ए टाइगर, तेरा जैकेट बहुत चाहिए ना मेरे को। मैं देता हूँ ना जैकेट। नहीं ले जैकेट। अरे जैकेट नहीं तो टोपी ले। Pleased to meet you. I'm Mrs. Rahul Phuglia. Phuglia? Hello. Nice to meet you. I'm Mrs. Priya Phuglia. Priya Phuglia. पहले फूल दूंगा, फिर बोल दूंगा। This is Priya Phuglia. Priya Priya Phuglia. To meet you. I'm Mrs. Prem Kapoor. Hello. Nice to meet you. I'm Mrs. Priya Kapoor. Hi. Nice to meet you. I'm Mrs. Priya Kapoor. फिर दिल टूट गया। कंट्रोल कर, कंट्रोल। अरे नहीं हो रहा कंट्रोल मुझसे, नहीं हो रहा कंट्रोल मुझसे। मैं वो गिरी को धोने गया है। किसको धो मैं? किसकी पिटाई? पिटाई नहीं, ये नहीं है। अरे आ गई, आ गई।
कौन गाइस कौन 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 देखो ना प्रेम हाउ आर यू राहुल आया है राहुल कंट्रोल प्रेम हाउ आर यू मैन क्या तुम लोग ये शादी में गाना गाने के लिए आए क्या हाँ गर्ल्स मीट माय फ्रेंड एक्चुअली माय फियांसेस फ्रेंड प्रेम यू नो ही डैम गुड वेडिंग सिंगर गरीबों का ना दिलेर मेहंदी है यू नो सबकी शादियों में ये आदमी क्या रंग लाता है मगर इसकी शादी में इसकी दुल्हन मंडप में ही नहीं आई पुअर गाय एक्चुअली मेरी मंगेतर है ना प्रिया उस पर ये बहुत मरता है क्या यार तुम हमेशा साथ साथ रहते हो नो गर्ल्स कहीं तुम लोगों ने आपस में शादी वाली तो नहीं कर ली है आज हम लोग के पास डाउन है इसका मतलब डाउन मतलब अब आप पोटे आइटम छोरे कन्याकुमारी नहीं समझा नहीं समझा अबे गर्ल्स गर्ल्स मैन गर्ल्स गर्ल्स डाउन ओके विच डाउन यू वांट दिस डाउन दिस डाउन Which one? Tell me. This one. No. She's mine tonight. Mine tonight? Priya ka kya hoga? Wo kitni achhi. Sushil. Sundar. Mazboot. Tikal. घरेलू लड़की है और तू माइंड टू लाइक प्रेम प्रेम रिलैक्स रिलैक्स हो गए हम लोग रिलैक्स हो गए अब बोल 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 बोल, बोल। प्रेम दिस इज बिटवीन प्रिया को प्लीज बोलूंगा बोल दे प्रेम Come on, man. Shoulder. What's happening, man? Huh? Right. Prem, please, yaar. Please. Jabada. Out of control. Maar. Bahut mari teri maar. Maar. Rahul. Yes? Excuse me. I have to punch him. Hey! बाय दिलेर अगर हम लोग डरने पे होते तो ये हम लोग को मारने को सकता मारने को सकता है क्योंकि कुंग फू कराटे आता है प्रिया को खुश रखने को सकता है क्योंकि पैसा वाला है समझा तू किसका दोस्त तेरा तो फिर तू ऐसा कैसा बोल रहा है बोल रहा है अरे तू किसको धोया इसको धोया ये तेरा फ्यूचर सुधर जा ब्राइट फ्यूचर फ्यूचर को देख जरा तो हाँ हाँ कैसे हो प्रेम ठीक हो अच्छा हूँ तुम कैसे हो आओ ना अंदर अंदर आओ ना अच्छा ये बताओ तुम्हारा भाई कैसा है अब बिल्कुल ठीक है चलो इसमें से कुछ तो अच्छा निकला तुम्हारे हस्बैंड किधर है क्या हुआ उसे पता तो है ना कि तुम यहाँ पे आई हो प्रेम मेरी शादी नहीं हुई क्या क्यों वो किसी और से शादी कर रहा है I'm sorry, very sorry.
तुम्हारी तकदीर और मेरी तकदीर काफी मिलती जुलती है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे प्रिया से प्यार हो गया। उसको अपनी दिल की बात बताने से पहले उसने अपनी सगाई का कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया। मैं यहीं पर बैठा था। एक मजे की बात बताऊं, उसके मंगेतर का भी नाम राहुल है और वो भी एक एनआरआई है। यार निशा, ये एनआरआई राहुल जी मेरे पीछे क्यों पड़े? इनको कोई एनआरआई लड़कियां नहीं मिलती क्या? अरे इतनी मुश्किल से लड़कियां पटाता हूं और इतनी आसानी से लेके चले जाते हैं और शादी भी नहीं करते। भगवान हमसे चाहता क्या है? शायद भगवान यही चाहता है कि हम दोनों फिर एक साथ हो जाएं। नहीं निशा, प्रिया मुझसे प्यार करे ना करे, मैं प्रिया से प्यार करता हूं और तुम मेरी आंख में देख के बताओ, क्या तुम अभी तक मुझसे प्यार करती हो? नहीं। But we can be friends. Of course. That's it. Oh my God. राहुल। हाय डार्लिंग, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। ओ राहुल, कम ऑन, बी सीरियस। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ आज। व्हाट? आज? हाँ आज ही। ओके। प्रिया, प्रिया ये क्या मजाक है? तुम राहुल से शादी करने जा रही हो? प्रिया तुम तो प्रेम को चाहती हो ना, उसको बता क्यों नहीं देती हो? मोना, मैं प्रेम के वहां गई थी, निशा उसकी जिंदगी में लौट आई है, वो दोनों बहुत खुश हैं। अच्छा हुआ ना प्रेम के लिए, कुछ रिश्ते पूरे होने के लिए बनते हैं। But I'm very happy for प्रेम। और तुम, तुम्हारा क्या होगा? हाँ मेरा क्या, मैं भी खुश रहूंगी राहुल के साथ, लेकिन तुम टाइगर को अपने दिल की बात जरूर बता देना, वो तुम्हें बहुत चाहता है। जाओ मोना, कह दो उसको अपने दिल की बात। गो, जाओ मोना, वरना मेरी तरह देर ना हो जाए। गो। और हाँ, प्रेम मिले तो उसे कहना कि वो गाता बहुत बुरा है, वो दिखता भी बहुत बुरा है, और मैं उसे कभी याद नहीं करूंगी। होता है। अरे यार, लेकिन ये मेरे साथ ही क्यों होता है? अरे मेरा दिल कोई इंडिया की गवर्नमेंट है जो बार बार टूटे? तेरा तो 2-3 है, मेरा 200-300, फिर भी दिल टूटा का टूटा ही रहता भाई। अरे लेकिन उन्होंने कभी तेरे से प्यार किया है, तूने उनसे प्यार किया है, इसलिए तो कह रहा हूँ हर रोज रात को दारू पी के सोता हूँ, सोचता हूँ कि कल सुबह छोड़ दूंगा। मगर आदमी इतनी दारू पीता क्यों है? गुड क्वेश्चन। आदमी इतना दारू इसलिए पीता है क्योंकि आदमी ओनली सोडा कब तक पिएगा? सोडा का सवाल है, थोड़ा का सवाल है। अगर कोई भी अपन को थोड़ा प्यार करने वाला प्यार से बोल देना कि शराब छोड़ दे, तो अपन शराब छोड़ देगा। तो छोड़ दो ना। जो बचपन से पीता है वो इतनी आसानी से शराब पीना कैसे छोड़ेगा? तो नहीं छोड़ोगे क्या? अरे छोड़ दूंगा, प्यार से छोड़ दूंगा। प्लीज छोड़ दो ना। सच्ची? You, me, I ask you, I love you. बोल बातें बस। हेलो, अरे बस यार, क्यों जला रहा है? तुम लोग का तो हो गया, अब मेरा क्या होगा? ओ बाय द वे, कंग्रेचुलेशंस। किस लिए? अरे तुम्हारा और निशा का पैचअप जो हो गया, राइट? अरे वो आजकल चलता है ना टीवी सीरियल्स में, बोलते हैं ना फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद काइंड्स, वो ही हो गया। प्रिया ने मुझे आज बताया था कि जब वो तुमसे मिलने आई थी तो उसने तुम्हें और निशा को तुम्हारे कमरे में देखा। और प्रिया ये सोची कि मेरा और निशा का प्यार? हाँ। अरे टाइगर तुमको मालूम है यार आए? हाँ यार, आई ओनली लव प्रिया यार। बट वो भी तो तुमसे प्यार करती है, यही तो कहने आई थी वो आज। क्या? शी लव्स मी? हाँ। हे टाइगर, शी लव्स मी यार।
मगर वो निशा, ओह माय गॉड, क्या ओह माय गॉड टाइगर, क्या हुआ? यू नो प्रिया अपनी जिंदगी तबाह कर देगी। यू नो राहुल ना, या दैट बट बॉय, वो राहुल से शादी करने जा रही है। ओह नो, वो दोनों अभी एयरपोर्ट के लिए निकले हैं और वो आगरा जाने वाले हैं। प्रेम ताजमहल, रन, चलो यार, लेट्स गो, जल्दी। आपके बोर्डिंग कार्ड्स एज यूजुअल, प्लीज आप इन्हें जे क्लास में शिफ्ट कर दीजिए। फ्लाइट इज फुल एज यूजुअल, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं इकोनॉमी में ट्रेवल नहीं करता हूँ। तो पैदल निकल जाइए, साथ भी अच्छा है एज यूजुअल। वेरी फनी, हैव ए नाइस जर्नी एज यूजुअल। टाइगर जल्दी चलाना यार, अरे शफा के पास निकलेंगे अभी तक यार, चल रहा हूँ ना यार, मैं दीदी को फोन लगा। हेलो दीज, हाँ दीज, मैं दिल्ली के पहली फ्लाइट से आगरा जा रहा हूँ। आगरा के पागल खाने में भर्ती होने जा रहे हो? बस यही बाकी था। अरे क्योंकि प्रिया राहुल के साथ वहाँ पे शादी करने जा रही है, हाँ, और मैं शादी तोड़ने, दीज मुझे पता चल गया कि प्रिया मुझसे प्यार करती है। ओके दीज बाय। मीनू चलो एयरपोर्ट। निशा, राहुल, व्हाट अ सरप्राइज, कहाँ जा रहे हो? आगरा, ताजमहल में शादी करने। और तुम? आगरा, लेकिन होटल ताजमहल जॉब के लिए। बाय द वे, हाउ इज योर ब्रदर? ही इज फाइन, जब से तुमने अमेरिका में उसकी ट्रीटमेंट करवाई है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। थैंक यू राहुल, कांग्रेचुलेशंस, शादी मुबारक हो। थैंक्स, और मैं तुम्हें अपनी फियांसे से मिलाता हूँ, कम चलो। प्रिया, मीट निशा। प्रिया, निशा, प्रिया, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? हाँ, शादी की बहुत बहुत मुबारक। सेम टू यू, आई एम वेरी हैप्पी कि तुम और प्रेम फिर से मिल गए। नहीं प्रिया, शायद मैंने बहुत देर कर दी, प्रेम किसी और को चाहता है। और शायद तुम जानती हो किसे। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग साथ में हैं? है भी और नहीं भी। एक्सक्यूज मी, यू नो प्रिया, मेरी पहले निशा के साथ सगाई होने वाली थी और आज तुम्हारे साथ शादी हो रही है, बट ये प्रेम के लिए सही लड़की है। शी इज अ नाइस गर्ल। बड़ो पूरा एयरपोर्ट खाली दिखता, लगता दिल्ली का फ्लाइट निकल गया है। बड़ो दिल्ली के फ्लाइट का पोजीशन क्या है? आधा घंटा हुआ निकल गई एज यूजुअल। हिम्मत रख, हिम्मत, नेक्स्ट फ्लाइट कितने बजे गए? आधे घंटे के बाद जाएगी एज यूजुअल। तीन टिकट देना थर्ड क्लास का? ये वीटी का स्टेशन नहीं है, मुंबई का एयरपोर्ट है, यहाँ पर सिर्फ दो क्लास की टिकट मिलती है, इकोनॉमी और जे क्लास एज यूजुअल। आपका नसीब अच्छा है कि अभी अभी पांच टिकटें जे क्लास की कैंसिल हुई है एज यूजुअल। तीन टिकट बाप, तीन टिकट, तीन नहीं टाइगर, पांच टिकट, वी आर विद यू ब्रो, राइट ऑन टाइम। सुना बड़ू, पांच टिकट एज यूजुअल, एज यूजुअल। No thanks. Sir? I have, thank you. Prem, bahut slow chala raha hai plane ko yaar. Khani rahe ho, main tera dekh ke aata hu. Prem, khana kha le, bahut acha hai, health ke liye bahut acha hai, upar se free mein mil raha hai. Yaar ajeeb baula, ye gham kha raha hai to usko khane ki hi baat kar raha hai. Tiger, Priya ko Agra mein utarne ke baad dhoondna hai, yahan hawai jahaz mein badlon mein nahi. Deri ho gayi isliye hai na, ha? Acha sun, तुम दोनों नहीं खा रहे तो मैं तुम दोनों के हिस्से का खा लेता हूँ। विनोद, बैठता हूँ, बोलना नहीं, प्रेम ले लेना। एक्सक्यूज मी मैम, यू आर ए वेरी गुड लुकिंग गर्ल, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, यू सी आई एम डायरेक्टर प्रोड्यूसर दिनेश कपूर। आप दिनेश कपूर जी हैं, द फेमस फिल्म डायरेक्टर। ओ सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। हाउ आर यू? फाइन। आप मेरी नेक्स्ट फिल्म में हीरोइन बनेंगी? सर, फिल्म में हीरोइन डेफिनेटली, व्हाई नॉट।
मैं तो कब से हीरोइन यू नो बनना चाहती हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। ये रहा मेरा कार्ड। ओह, आप बॉम्बे में मेरे ऑफिस में मुझे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू टाइगर। सुना तुमने टाइगर, टाइगर लुक एट दिस, मुझे हीरोइन बनने का चांस मिला है दिनेश कपूर जी की फिल्म में। कैन यू बिलीव दैट? कैन यू बिलीव दैट? ओह माय गॉड, 5 साल के लग गए। हिम्मत रख, हिम्मत। तो क्या आप मेरी फिल्म में हीरोइन नहीं बनेंगी? जी मैं हीरोइन आपकी फिल्म में नहीं, टाइगर की जिंदगी में बनना चाहती हूँ। हाँ? Oh, yeah! Yeah! फिकर मत कर, तेरी भी हो जाएगी। हिम्मत रख, हिम्मत। यस सर, लीजिए 2 सीट जे क्लास में शिफ्ट कर दीजिए। आई ट्राई सर, थैंक यू। सुनी, कोई वाई क्लास का पैसेंजर जे क्लास में सीट मांग रहा है। मैं देखता हूँ, क्या नाम बताया? सम पुगलिया। क्या नाम बताया? मिस्टर पुगलिया। पुगलिया नहीं, पुगलिया। प्रेम जो टाइगर, दोनों इसी फ्लाइट पे यार। अरे तो सोच के रहा है, तोड़दाल फोड़दाल जाके बोलता है। तोड़दाल फोड़दाल, क्या प्लेन हाईजैक हो रहा है? अरे नहीं बाबूजी, इसके प्रेमिका को कोई हाईजैक करके ले जा रहा है। ओ, प्रेम दा मामला। Yes. है, प्रेम दा लगे रहो। अब एक्सक्यूज मी मैडम, कैन वी हैव द अनाउंसमेंट माइक प्लीज? यस श्योर सर, थैंक यू। फास्ट फास्ट, कम ऑन मैडम, कम ऑन। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे जे क्लास का एक पैसेंजर आपके लिए गाना चाहता है, आपको एंटरटेन करना चाहता है। यह गाना सिर्फ गाना ही नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी है, उसका प्यार है, उसके दिल की पुकार है। ओह हाँ, ये भी कोई बोलने की बात है? प्रिया,
आई एम नॉट जेलस. मुझे मेरी निशा मिल गई. बाय द वे यू गाइस आर मेड फॉर ईच अदर. कांग्रेचुलेशंस. कांग्रेचुलेशंस टू यू टू. इवन यू गाइस मेड फॉर ईच अदर. इवन वी आर मेड फॉर ईच अदर. हो गया सली मेरी घरवाली. कमाल हो गया. एक टिकट में तीन तीन शादियां. एक्सक्यूज मी. आप लोग प्लीज अपने सीट्स पर बैठ जाइए और अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए. ओ पेटी बेटी नू छटो. इन दुलों को सहरा बांधो सहरा. तेरी अखियां कमाल गोरी बैया कमाल. अखियां कमाल गोरी बैया कमाल. तेरा रूह है कमाल तेरा नखरा कमाल. तेरी अखियां कमाल गोरी बैया कमाल. तेरा रूह है कमाल तेरा नखरा कमाल. तू जीव यारा कमाल. सावरिया रे ओ सावरिया ले गई दिल तू.